बाबा से बोल पड़े। चलिए मैं पढ़ाता हूँ दुरूद शरीफ, आप पढ़िए मेरे साथ झूम कर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपने तो सुना होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी जगह दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद, बोलो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद, बोलो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद। काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ो दुरूद, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ो दुरूद, तैबा की शम्सु तुहा तुम पे करोड़ो दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरे आका प्यारे आका, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करो दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद। आइए पुराना कलाम है वो पढ़ता हूँ। मैंने बहुत पहले यहाँ पर पढ़ा था, मुझे याद नहीं कितने सालों पहले, तकरीबन मैं समझता हूँ शायद 20-22 साल हो गए मालोनी जाया था मैं और हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के साथ। सुभान अल्लाह। मैं उसके दो शेर पेश करता हूँ, आप सुनिए फिर आपको पुरानी याद ताज़ा हो जाएगी इंशाल्लाह। محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمہ بدم کے دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو۔ سبحان اللہ قرینہ دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو، दरबार मोहम्मद का दरबार मोहम्मद का करीना हमें दे दो, करीना हमें दे दो, करीना हमें दे दो, कि तुम सारा जहां ले लो मदीना दे दो, बोल तुम सारा जहां ले लो मदीना हमें दे दो, मदीना हमें दे दो, बोल तुम सारा जहां ले लो मदीना हमें दे दो, मदीना हमें दे दो। कौन 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 मदीने जाना चाहता है सब मिलकर पढ़े इंशाल्लाह मदीने पहुंच जाएंगे सारा जहां ले लो मदीना हमें दे दो, मदीना जूही चंपा गुलाब और चमेली, गुलाब और चमेली, गुलाब और चमेली, दुनिया
जितनी भी खुशबू खुशबू सब मेरे हुजूर के हुजूर के हुजूर के पसीने की बरकत की बरकत सुभान अल्लाह कि तुम ले लो तू ही चंपा दो बूंद मोहम्मद का पसीना हमें दे दो पसीना हमें दे दो दो बूंद मोहम्मद का पसीना हमें दे दो पसीना हमें दे दो दो बूंद मोहम्मद का पसीना हमें दे दो पसीना हमें दे दो बोल तो सारा जहां ले लो मदीना इस ज़र्रे कमतर की हो मेरा आशिकी मेरा जे आशिकी इस ज़र्रे कमतर की अहमद रजा बरेली का जीना हमें दे दो जीना हमें दे दो अहमद रजा बरेली का जीना हमें दे दो जीना हमें दे दो अहमद रजा बरेली का जीना हमें दे दो अगर वक्त है और इजाजत है तो ही मेरे पास कुछ वो नहीं वो नहीं एक बहुत ही प्यारा कलाम है कलाम जो उर्स के मौके पर मौके पर मौके पर मौके पर तो इंशाल्लाह 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 दोबारा वक्त होगा तो मैं वो कलाम आप कलाम जरूर सुना दूंगा बहुत ही खास कलाम है हजरत आ चुके हैं और वो आपके सामने होंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही प्यारा अंदाज है आपका और सब लोग महजूज हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए नाज शरीफ से आगे बढ़ते हुए अब्बास शरीफ की तरफ चलते हैं। हमारे बीच हमारे मौलवी के खानकाह साबरिया से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अल्ताफ साबरी मिसबाही साहब तशरीफ ला चुके हैं जो इंशाल्लाह हमारे बीच अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पेश करेंगे। मैं तमाम से गुजारिश करता हूं बच्चों की आवाज़ अभी भी आ रही है बीच में बहुत ज़्यादा तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप लोग बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दें उनको खामोश रहने बैठें खामोश बैठने कहें और जो जिम्मेदारान हैं है ना गुलाम पंजतन कमेटी के उनसे भी गुजारिश है कि आप कुछ कहीं और कुछ काम ना करें बल्कि आप इज्तिमा में आके बैठ जाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे दूसरे मेहमानान भी तशरीफ़ लाएंगे। अब मैं बिला ताखीर हमारे आए हुए मेहमान मोहम्मद अल्ताफ मिसबाही साहब मौलाना मिसबाही साहब को दावत सुखन देता हूँ कि वो माइक पर आए और अल्लाह उसके रसूल के फरामीन सुनाए। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत हेलो
बच्चों से गुजारिश है कि अगर बच्चे अगर बैठे हैं पहले से तो मस्ती ना कर रहे तो उनको आगे ही बैठने दिया जाए। हाँ, जो बच्चे मस्ती करें आवाज़ करें उनको पीछे भेज दिया तो बेहतर है, लेकिन जो पहले से आए हुए हैं उनको पीछे ना किया जाए। वो बच्चे पहले से है ना इस महफिल की शान बन के बैठे हैं तो उनको पीछे ना किया जाए। जो मस्ती मस्ती करें उनसे गुजारिश है कि आप लोग खामोशी इख्तियार करें। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانک لعلی خلق عظیم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم۔ اسی پر مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے۔ اے عاشقان شہ انبیاء، درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ تمہارے سر پہ تاجہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنے اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے۔ اور درے خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہے عرشی، درے خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہے عرشی، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ صدا سنو میری در کھولو یا غریب نواز، غریب جائے کہاں بولو یا غریب نواز۔ اور تمہارے واسطے حق نے ہمیں غریب کیا، ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز۔ محترم حضرات، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ مزید اشعار آپ کے سامنے پیش کیے جائیں یا تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ان کا آنے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس جشن غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ اور مزید ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اس علاقے کی غلام پنجتن کمیٹی کو، جنہوں نے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اپنے عشق اور اپنی غلامی کا ثبوت پیش کیا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل پاک کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے، اور ہم سب کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ حضرات، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ولی کی کرامت یا اس کا کوئی بھی کرشمائی واقعہ یہ سنانا بہت فائدہ دیتا ہے۔ وقتی طور پر لوگوں کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، لیکن آج کے ماحول کے اعتبار سے کسی ولی کی کرامت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی زیادہ ہے کہ اس ولی نے اپنی زندگی میں جو مشن چھوڑ کر کے گئے ہیں اس مشن پر روشنی ڈالی جائے، اور آج کی نئی نسل کو اس مشن پر سختی سے عمل کرنے کا عہد و پیمان کیا جائے۔ محترم حضرات، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جن کے اوپر ایک رات گفتگو کر دی جائے تو لوگ ان کی ذات کو سمجھ لیں، بلکہ سرکار غریب نواز کی ہستی وہ ہستی ہے کہ ذاتیں ختم ہو جائیں گی لیکن ان کی باتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔
दिन और रात खत्म हो सकते हैं लेकिन उनकी बात कभी खत्म नहीं हो सकती। उनकी जिंदगी के जिस पहलू को भी देखा जाए हर हर पहलू बेमिसाल नजर आता है। उनकी जिंदगी के शबो रोज के जिस गोशे को देखा जाए हर हर गोशे पे एक किताब लिखी जा सकती है, महीनों उस पर गुफ्तगू की जा सकती है। अहले इल्म हजरात उस पर कलम चलाते हुए नजर आते हैं और गुफ्तगू करने वाले हजरात बड़ी ही शानदार तकरीरें अहले अवाम को सुनाते हुए नजर आते हैं। मैं सिर्फ इतना सा मैसेज देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपनी गुलामी का सबूत देते हुए आज की इस महफिल पाक का इनेकाद किया है और लोगों को इकट्ठा किया है वो वाकई काबिले मुबारकबाद है, लेकिन उनको ये पैगाम देकर रुख्सत होना चाहता हूँ कि साल में एक मरतबा गरीब नवाज के नाम की नियाज कर लेने से ही हम गुलाम पंजतन के सही तौर पर मिस्दाक नहीं हो सकते, बल्कि गुलामी का अंदाज ये होता है कि जो जिसका गुलाम होता है उसकी जिंदगी के शब रोज को अपनाने की कोशिश करता है, उसके अमल को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाने की कोशिश करता है। उस इंसान ने अपनी जिंदगी में जो पैगाम छोड़ कर गया है अपनी जिंदगी में उसे ढालने की वो कोशिश करता है। सरकार गरीब नवाज के लोग आज ऐसे ही आशिक नहीं है, सरकार गरीब नवाज की तारीखों के और उनकी जिंदगी के बेशुमार पहलू है। करामात की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, उनके वाकयात की तरफ मैं नहीं जाऊंगा जो बारह उलमाए किराम से और मुबल्लिगीन से आप समाअत करते रहते हैं, बल्कि उनकी जिंदगी के एक नाजुक पहलू की तरफ आपकी तवज्जो कराने की जरूरत है। और वो ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अखलाक का जो अखलाक की जो तालीम हमें अता फरमाई थी वो सरकार गरीब नवाज की जात में मुकम्मल तौर पे हमें नजर आती है। हर वली के अंदर अखलाक है, हर वली अखलाक के आला मंजिल पर फाइज है, लेकिन सरकार गरीब नवाज की जात पर जब आप देखें तो इंसानी अक्ल हैरत हो जाती है कि मेरे आका की जाहिरी जिंदगी में जो वाकयात रोनुमा हुए थे मदीने की सरजमीन पर वही सरकार गरीब नवाज की जिंदगी में वही वाकयात रोनुमा हुए हैं। चार पांच ऐसे वाकयात हैं कि जो हूबहू मेरे सरकार की तरह सरकार गरीब नवाज की जिंदगी के अंदर रोनुमा हुए हैं। मैं उन वाकयात को पेश नहीं करना चाहता और ना ही करने की गुंजाइश है, इसलिए कि जनाबे मोहम्मद यूनुस रजवी साहब ने अपने खिताब का पूरा वक्त मुझे अता फरमाया है, अल्लाह उन्हें जजाए खैर अता फरमाए। मैं गुफ्तगू कर अपनी समेट के सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के बारे में फरमाता है वइन्नकल अला खुलुकिन अज़ीम, ये नहीं फरमाया कि ए महबूब आप के अंदर आपकी जात के अंदर अखलाक है, बल्कि लाला खुलुकिन अजीम आप खुलुके अजीम की आला मंजिलों पर फाइज है, यानी अखलाक और किरदार की जहां तक मंजिलें हद तोड़ देती हैं हद खत्म हो जाती हैं वहां से मेरे नबी का किरदार शुरू होता है, वहां से मेरे नबी का अखलाक शुरू होता है और उसी अखलाक की जीती जागती तस्वीर का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी है। हजरत मोहतरम सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी का सिर्फ एक पहलू मैं आपके बयान सामने पेश करूंगा और उसकी झलक सरकार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप देखेंगे कि जाबिर अंसारी रजी अल्लाह ताला अनु हैं जो कर्जदार हो गए एक यहूदी के और कर्जदार इतने हुए कि आपने एक यहूदी से कर्जा लिया था खजूरों का, लेकिन जब आपने अपनी बाग के अंदर खजूरों को खजूरों की काश्तकारी की फसल की तो सारी खजूरें बर्बाद हो गई। अब ये यहूदी मुतालबा करने लगा, हजरत जाबिर अंसारी रजी अल्लाह ताला अनु आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं एक यहूदी का कर्जदार हूँ, आप दुआ फरमाएं कि मैं कर्जे से आजाद हो जाऊं। हजरत मोहतरम रसूल की सीरत के इस पहलू को देखने लायक है, मेरे आका की वो जात है कि हाथ बाद में उठते थे, दुआ पहले हो जाती थी, दुआ की कबूलियत पहले हो जाती थी। इमाम अहमद रजा खा कहते हैं कि इजाबत का जोड़ा इनायत का सहरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद और इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद मेरे नबी के हाथ दुआ के लिए बाद में उठते थे पहले अरशे आजम से कबूलियत की खुशखबरी सुना दिया करते थे। हो सकता था कि मेरे आका सिर्फ दुआ कर देते और जाबिर अंसारी का दिल खुश कर देते, लेकिन नहीं नहीं, सीरत का यह पहलू भी हमें देख लेना चाहिए कि जब एक अंसारी सहाबी हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु मेरे आका की बारगाह में आए और आपसे अपनी परेशानी का जिक्र किया तो सिर्फ आपने दुआ नहीं की बल्कि
बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ करके हजरत जाबिर के साथ जाते हैं और उस खेत का मुआपाइल सबसे पहले उस यहूदी के घर पे जाते हैं और जाने के बाद उस यहूदी से कहते हैं कि तुम इसके कर्जे को माफ कर दो, ये तुम्हारा कर्जा अदा करने के लायक नहीं है। यहूदी ने कहा कि काफी वक्त गुजर चुका है, मैं अब कर्जा माफ नहीं कर सकता। आका वापस पलटते हैं, जाबिर परेशान है, वो दोबारा लौट जाते हैं, दोबारा मुतालबा करते हैं माफी का, लेकिन यहूदी ने इनकार कर दिया। अब आप क्या करते हैं कि आप जाबिर अंसारी के खेत में जाते हैं, क्या देखा कि सारी खजूरें सूख करके जो है गिर चुकी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खेत में जाते हैं और जा करके आप वहां पर थोड़ी देर आराम करते हैं और आराम करने के बाद आप बेदार होते हैं। जोहर की नमाज का वक्त था, शिद्दत की गर्मी थी, मेरे आका उठ करके वजू फरमाते हैं। जोहर की नमाज अदा करने के बाद में आपने कहा, ए जाबिर तुम जरा टोकरा ले लो और मेरे साथ खजूरें तोड़ने के लिए आ जाओ। हजरत जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह खजूरें सूख चुकी हैं और बाकी की गिर चुकी है, कैसे ये अदा होंगी। अल्लाह अकबर, वहां पर मेरे आका ने मौजजा दिखाया और हजरत जाबिर का बयान है कि मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा कि जितनी भी सूखी खजूरें थी वो सब की सब पक करके मुकम्मल तौर से हाजिर हो गई और सब खजूरें लगी हुई है और पूरा का पूरा खेत जो है वो खजूरों से लदा हुआ है। कहिए सुभान अल्लाह। और मेरे आका फरमाते हैं, ए जाबिर खजूरें लो और इसे अपने टोकरी में डालो। हजरत जाबिर एक टोकरा भरते हैं, वो टोकरा फुल हो जाता है, दूसरा टोकरा लेते हैं वो भी पूर हो जाता है, फिर तीसरा टोकरा लेते हैं वो भी पूर हो जाता है। मेरे आका ने फरमाया, ए जाबिर अभी खजूरें कम है या ज्यादा। अल्लाह अकबर, हजरत जाबिर ने कहा, या रसूलल्लाह खजूरें तो बहुत ज्यादा हो गई है, यहूदी का कर्जा भी माफ हो जाएगा और मुझे नफा भी हासिल हो जाएगा। अब आप देखिए कि मेरे आका ने सिर्फ दुआ नहीं की, यहाँ से मेरे आका ने ये पैगाम दिया कि सिर्फ किसी के लिए दुआ कर देना ही काफी नहीं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना पावर और आपको अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया है तो हत्तल इमकान कोशिश करना भी ये सुन्नत रसूल है। किसी की मदद करना, हत्तल इमकान कोशिश करना, चल करके जाना या किसी से उसके लिए सिफारिश करना, यह भी सुन्नत रसूल है। अब यही अखलाक का पहलू सरकार गरीब नवाज की जिंदगी में देखें कि दिल्ली के बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। एक गरीब किसान जो गैर मुस्लिम था वो परेशान हो गया, गरीब था, मफलूकुल हाल था, उस वक्त वो अजमेर शरीफ की सरजमीन पर हाजिर हुआ। सरकार गरीब नवाज की जाहिरी जिंदगी का वक्त है, आपकी बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, हुजूर आप हम पर हमारे हाल पर रहम कीजिए, इसलिए कि दिल्ली के बादशाह ने हमारे ऊपर टैक्स लागू कर दिया है, आप एक हुक्मनामा जारी कर दीजिए ताकि सुल्तान हमसे टैक्स को माफ कर दे या कम से कम कम करा दे। अल्लाहु अकबर, वो सुल्तान कौन था, वो बादशाह कौन था? वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह थे। और वो कौन थे? वो सरकार गरीब नवाज के मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद थे। सरकार गरीब नवाज अगर चाहते तो एक खत लिख देते, एक लेटर लिख देते तो वो टैक्स माफ हो सकता था, टैक्स कम किया जा सकता था। लेकिन अल्लाह अकबर, एक गरीब किसान के लिए, एक गैर मुस्लिम किसान के लिए सरकार गरीब नवाज उस वक्त जो है अजमेर शरीफ की सरजमीन से दिल्ली की सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं, वो भी पैदल तशरीफ लाते हैं और उस वक्त का जो सफर था आज की जैसा आरामदेह सफर नहीं था, आज की तरह चिकनी सड़कें नहीं बनी हुई थी, आज की तरह हाईवे नहीं बना हुआ था। उस वक्त का आज से 900 साल पुराना सड़क बना हुआ था। अजमेर से दिल्ली की सरजमीन पर पैदल चलते हुए गरीब किसान के लिए, गैर मुस्लिम किसान के लिए आप पहुंचते हैं। जैसे ही दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचे, लोगों को पता चल गया, एक शोर हो गया, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके इस्तकबाल के लिए दिल्ली के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और अर्ज करते हैं, हुजूर आपने पैगाम लिख दिया होता तो हम ये टैक्स माफ कर देते। तो सरकार गरीब नवाज ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया कि जब अपने काम के लिए आना होता है तो ऐलान नहीं कराया जाता है।
अपने खुद के काम के लिए आया जाता है तो ऐलान नहीं कराया जाता है। मैं सवाब की नियत से इस गरीब किसान के लिए हाजिर हुआ हूँ। लोगों ने कहा हुजूर आप हुक्म फरमा देते तो टैक्स माफ हो जाता। अल्लाह अकबर, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं खत लिख करके भी टैक्स माफ करा सकता था या कम करा सकता था, लेकिन मेरे पैदल आने की वजह से जो इस किसान का दिल खुश हो गया है वो इसका दिल कैसे खुश हो सकता था। अब आप देखें कि सरकार गरीब नवाज की जाते बाबरकात किस कदर सीरत रसूल के पहलू में ढली हुई है और आपने अपनी जिंदगी में हमें क्या पहलू दिया है। अल्लाह हु अकबर, आज हम गुलाम गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं। हम अपने आप को ये दावा करते हैं कि हम गरीब नवाज के गुलाम हैं, गुलाम गरीब नवाज के आशिक हैं, पंजतन पाक के गुलाम और उनके आशिक हैं। या वाकई ये दावा हमारा अगर कितना सच्चा है तो हमें ये देखना होगा कि पंजतन पाक ने अपनी जिंदगी में क्या मिशन हमें दिया है, उन्होंने अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारी है, अपने शबो रोज में वो क्या करते थे, उनके मामूलात क्या थे, उनकी जिंदगी का शेड्यूल क्या था, वो दिन में क्या करते थे, रात के वक्त वो क्या करते थे, खाना कैसे खाया करते थे। अल्लाह अकबर, उनकी जिंदगी का तो आलम यह था कि तीन तीन दिन तक फाका चलता रहता था और आने वाले गरीब को वो रोटी खिला दिया करते थे। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह रोजाना 12,000 तस्बीह का विर्द फरमाया करते थे, रोजाना 12,000 तस्बीहात। और ये सिर्फ तस्बीहात ही नहीं बल्कि तारीखों में आया है कि तकरीबन रोजाना खत्म कुरान भी फरमाया करते थे। इसके अलावा फर्ज नमाजों के साथ साथ आप नवाफिल की पाबंदी से कसरत फरमाया करते थे। इसके अलावा आने वाले मोहताजों जरूरतमंदों की जरूरतें भी पूरी कर दिया करते थे, लोगों को तावीजात भी बनाया करके दिया करते थे, लोगों को मुरीद भी बनाया करते थे, लोगों के दरमियान नसीहत भी फरमाया करते थे। और उसके साथ सरकार गरीब नवाज को अल्लाह ने जो इल्मे ज़ाहिरी अता फरमाया था, आप एक बेहतरीन आलिमे दीन थे, आप किताबें भी लिखा करते। ये सरकार गरीब नवाज और तमाम औलिया कामिलीन की जिंदगी का शेड्यूल है कि उन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी में गुजारी है। अगर हम अपने आप को इन बुजुर्गाने दीन का गुलाम कहते हैं, इनका आशिक कहते हैं, तो हमें जरूरी है कि साल में एक मरतबा या दो मरतबा हम सिर्फ इनके नाम की महफिल ना सजाए। वाकई ये महफिल सजाने से बड़ा फायदा होगा, उनकी रूहानियत खुश होगी, लेकिन असल मायनों में सरकार गरीब नवाज के इश्क का दावा जब सच्चा होगा, उनकी गुलामी तब सच्ची होगी जब आप पंच वक्ता नमाजों को जिंदगी में मामूल बना लेंगे, आप अपने चेहरे के ऊपर सुन्नत रसूल को सजा लेंगे, आप अपने सर के ऊपर अगर अमामा शरीफ नहीं तो कम से कम अपने सर को टोपियों से ढाक लेंगे। इंशाअल्लाह वादा कीजिए इंशाअल्लाह ताला कि हम नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाथ उठा के कह दीजिए इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी होगी इंशाअल्लाह। और जो लोग भी इस तरीके से हाथ उठाकर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की फरमा बरदारी के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाह तबारक को ताला उनके हाथों को लकवे से महफूज कर देता है, फालिश के असरात से महफूज कर लेता है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि आपको मजीद सरकार गरीब नवाज की जिंदगी के पहलुओं की तरफ में ले जाऊं। सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह को राजी करने के बेशुमार रास्ते हैं, हत्ता कि 360 रास्ते इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, लेकिन उन सब में जो सबसे बेहतरीन और सबसे आसान रास्ता है वो है अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना और अल्लाह की मखलूक से मखलूक के साथ बेहतरीन सुलूक करना। हमारी जिंदगी में हम अपने अखलाक को अपनाएं और अल्लाह के मखलूक से मोहब्बत करें, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें जिस लायक भी अल्लाह ने हमें दिया है। अगर पैसे से हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं तो पैसे के जरिए खिदमत करें, अगर पैसा नहीं है तो कम से कम जबान से दुआ कर दें या किसी के पास जाकर सिफारिश करके अगर हमारे जाने से सिफारिश करने से अगर किसी का काम बन जाता है तो हमें कम से कम अपने गरीब नवाज की इस सुन्नत को जिंदगी में एक मरतबा जरूर
जरूर पूरी कर लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सरकार गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और आखिरी जुमला ये कह के मैं रुख्सत होना चाहता हूँ कि अगर हम ये दावा करते हैं कि हम सरकार गरीब नवाज को मानते हैं या गौसे आजम को मानते हैं या हम अल्लाह के नेक बंदों को मानते हैं, वाकई हम मानते हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम इन बुजुर्गान दीन को मानने के साथ साथ इन बुजुर्गान दीन की मानने की कोशिश करें, गरीब नवाज को मानने के साथ साथ गरीब नवाज की मानने की कोशिश करें, गौसे आजम को मानने के साथ साथ गौसे आजम की मानने की कोशिश करें, पंजतने पाक को मानने के साथ साथ पंजतने पाक की मानने की कोशिश करें, तब जाकर इन औलिया कामिलीन की रूह हमसे खुश होगी और हकीकी मानों में इनका फैजान और इनकी बरकतें हम पर नाजिल होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा खाजा है, 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 सारे हिंद का है राजा मेरा खाजा महा खाजा, सारे हिंद का है राजा मेरा खाजा महा राजा मेरा सरकारी छठी छठी का प्रोग्राम साथ में मिलकर पढ़े। हर आँख चाहती है ज़ियारत मोइन की, हर दिल में बस गई है मोहब्बत मोइन की, हर दिल में बस गई है मोहब्बत मोइन की, बेशक नबी की आल।
वाला पीर मेरा सैयद का लाल है, संजर वाला पीर मेरा सैयद का लाल है, और मस्ती के मस्तान है, हर हाल में खुशहाल है, चिश्ती दामन को जो पकड़ा वो माला माल है, कुर्सी अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब नवाज के चाहने वाले बैठे हैं और इंशाल्लाह इस चाहत को और औलिया इकराम के इश्क को और बढ़ाने के लिए हमारे बीच में बहुत जल्द हमारे मेहमान खुसूसी हजरात भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। उनके आने तक हम कुछ बातें माह रजबुल मुरज्जब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अभी कौन सा महीना चल रहा है? रजब का। कैसे हमें पता चला? क्योंकि हम गरीब नवाज के चाहने वाले और हमको पता है, हर आशिक को पता है कि रजब की 6 तारीख को गरीब नवाज का उर्स आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या इसके बाद आने वाला महीना मालूम है कौन सा है? शाबान। इससे पहले गया कौन सा महीना? जमादिल अव्वल, हमारे भाई ने बताया। तो ये सबको जानने की ज़रूरत है, हमारे जो इस्लामी महीने हैं कि पहला महीना कौन सा है, है ना, दूसरा कौन सा है। अभी अगर पूरी जितनी यहाँ पे पब्लिक बैठी है, अगर हम इनसे पूछे कि अभी कौन सा महीना चल रहा है अंग्रेज़ी, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं बोल पाएगा। सब कहेंगे फरवरी चल रहा है या फरवरी आप कहेंगे। लेकिन इस्लामी महीनों की जानकारी भी हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अल्हम्दुलिल्लाह माहे रजबुल मुरज्जब की 3 तारीख है, है ना। और इस महीने में बहुत अजीम अजीम तारीखें आने वाली, से गरीब नवाज की 6 तारीख को, है ना, 22 रजबुल मुरज्जब को हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की डेट भी आने वाली है, आपके उर्स की तारीख सरकार जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की। और फिर 27 रजबुल मुरज्जब को एक बहुत ही अजीम रात लैलतुल मेराजुन नबी, शबे मेराजुन नबी इंशाल्लाह वो भी आने वाली है। तो बहुत अजीम अजीम तारीखें आने वाली हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप जब माहे रजबुल मुरज्जब का चांद देखते तो एक दुआ कसरत से पढ़ लिया करते, और सिर्फ चांद देखकर ही नहीं बल्कि पूरे महीने ये दुआ पढ़ते, और जब शाबान का महीना आता तब भी वो दुआ पढ़ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मुबल्लिगे सुन्नी दावत इस्लामी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मेहमान आज के मोहम्मद यूनुस रजवी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनके बयान से हम महजूज़ होंगे। आप लोग तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। मैं आपको मुख्तसर तौर पर ये दुआ आपको पढ़ाता हूँ, पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब वशाबान वशाबान बल्लिगना रमदान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब वशाबान वबल्लिगना रमदान। इसका मफहूम है कि ए अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा माह रजब में और माह शाबान में। सुभान अल्लाह, यानी जो महीना अभी चल रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में बरकतें पाने की दुआ की कि ए अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा माह रजब में और माह शाबान में, और आगे फरमाया वबल्लिगना रमज़ान, और हमें माह रमज़ान तक खैर आफियत के साथ पहुंचा दे। तो पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमज़ान को पाने की दुआ दो महीने पहले से ही किया करते कि माह रजब और माह शाबान में बरकतें नाजिल फरमा और हमें माह रमज़ान अता फरमा। इंशाल्लाह आगे की गुफ्तगू आप हमारे आए मेहमान मोहम्मद यूनुस रजी साहब से समाप्त करेंगे। मैं हज़रत को दावत सुखन देता हूँ कि वो खिताब पे जल स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपने नूरानी बयान से तमाम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सुन्नी दावत इस्लामी, मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल्आक़िबतु लिल्मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمُخْتَارُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ। मिंबर रसूल पर जलवागर हजरत उलमाए दवील एहतराम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अल्ताफ मिसबाही साहब क़िबला मद्दे ज़िल्लतुल आली, बुलबुले बाग़ रज़ा मोहम्मद वासिफ रज़ा नूरी साहब क़िबला मद्दे ज़िल्लतुल आली, महफिल में मौजूद मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, दूर दराज घरों में बैठकर सुनने वाली इज्जत माँ, पर्दा नशीन मुकद्दस माओ बहनों और कौम की प्यारी बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह की व बरकातहू। मेरे साथ मिलकर पढ़े अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मैं दिल की अता गहराइयों से मालवनी की गुलामाने पंजतन ग्रुप कमेटी के तमाम ही मेंबरान को और सुन्नी दावत इस्लामी शाख मालवनी के तमाम मुबल्लिगीन को दिल की अता गहराइयों के साथ मुबारकबाद और दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब की इस महफिल का सजाना हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की बारगाह में खराज पेश करने के लिए
इस महफिल को सजाया गया है। अल्लाह करीम कयामत तक आने वाली हमारी नस्लों को गरीब नवाज की गुलामी नसीब अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अली सलातो व सलाम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया है, ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 105 है। अगर आप देखें तो 17वें पारे में ये सूरह है, आयत नंबर 105 है। अल्लाह करीम फरमाता है, वलकद कतबना फिज ज़बूरी मिन बाद ज़िक्र, और तहकीक बेशक ये बात ज़बूर में वाज़े तौर पर लिख दी गई। क्या बात लिख दी गई जिसका जिक्र बाद में भी आया? तो रब फरमाता है, ये बात वाज़े तौर पर लिख दी गई ज़बूर में जिसका जिक्र बाद में भी आ रहा है, और वो बात ये गए अन्नल अर्दा यरीथुहा इबादिय्य सालिहून, कि अल्लाह जमीन का वारिस उसी को बनाता है जो अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते हैं। हमें पता चल गया या गरीब नवाज, आपको अल्लाह ने इस जमीन का ताजदार क्यों बनाया है, हिंदुस्तान का बादशाह क्यों बनाया है? क्योंकि आप अल्लाह के ऐसे नेक बंदे हैं। अरे आपकी शान तो ये है, आप जमीन पर चलते हैं, आपका चलना जुदा है, जमीन आपका बढ़कर इस्तकबाल करती है। मुसलमानों, जमीन का बादशाह, जमीन का ताजदार, जमीन का वारिस अल्लाह किसको बनाता है? कुरान ने बता दिया, ऐ मेरे बंदों, अगर तुम चाहते हो कि जमीन पर तुम इज्जत की जिंदगी गुजारो, जमीन तुम्हारे कंट्रोल में रहे, जमीन तुम्हारे कदमों को चूमे, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए, तो देख लो मेरे मोइनुद्दीन की जिंदगी को देख लो। तुम 250-300 फीट की जमीन के टुकड़े के लिए परेशान हो, लेकिन जब कोई अल्लाह का मकबूल बनता है, अल्लाह एक टुकड़े का नहीं बल्कि उसको अखंड भारत का बादशाह बना दिया करता है, उसको हिंदुस्तान का राजा बना दिया करता है, और ऐसा राजा बनाता है, ऐसा बादशाह बनाता है कि जितने भी आते हैं मुख्तसर वक्त के लिए आते हैं, कुर्सी बदल दी जाती है। अखंड भारत का बादशाह पहले पृथ्वीराज चौहान था, लेकिन उसकी कुर्सी का तख्ता पलटने के बाद सुबह कयामत तक अगर हिंदुस्तान का बादशाह कोई रहने वाला है, तो अल्लाह ने यह मकाम सुल्तानुल हिंद को अता फरमाया है, गरीब नवाज को अता फरमाया है। वजह क्या है? वजह यह है कि दुनिया वाले बनते हैं तो इलेक्टेड बनकर बनते हैं, लेकिन गरीब नवाज इलेक्टेड नहीं, हमारे नबी के सिलेक्टेड बनकर आए हुए थे। मुसलमानों, अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह जमीन का कंट्रोल, जमीन का वारिस उसको बनाएगा जो अल्लाह का नेक बंदा होता है। आओ गरीब नवाज की सीरत को देखते हैं, मेरे गरीब नवाज कितने नेक थे। सबसे पहले ये जमीन क्या, जमीन अल्लाह की इतनी अजीम नेमत है कि ये जमीन नहीं हो तो इंसान रहेगा कहां? इतनी बड़ी नेमत जमीन, घर इसी जमीन पर, दुकान इसी जमीन पर, कारखाना इसी जमीन पर, खाने काबा इसी जमीन पर, मस्जिद इसी जमीन पर, सजदा इसी जमीन पर, रहना इसी जमीन पर, चलना इसी जमीन पर, लेकिन बादशाह अल्लाह इन चलने वालों में किसको बनाता है? हम कहते तो हैं जब इस जमीन पर चलने की बारी आती है, क्या कहते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता चला। नमाज में ईमान के पीछे अल्लाह के सामने हाथ बांधकर, गर्दन झुकाकर अगर खुद तिलावत की गो तो खुद पढ़कर, या इमाम ने तिलावत की गो तो सुनकर बंदा कहता है आमीन, ऐ अल्लाह मैंने जो दुआ की है कि मुझे सीधा रास्ता चला तो इससे कबूल फरमा। लेकिन जमीन हमारी क्यों, हमारे हिस्से की जमीन हमको नहीं मिलती? क्यों हमें जमीनों से निकालने की बात की जाती है? क्यों हमारी जमीन हमसे छीन ली जाती है? वजह यह है कि हमने जमीन का हक अदा नहीं किया। कुरान कहता है कि जमीन पर चलना है, तूने दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता चला, तो कुरान ने कहा सीधे चलने वाले कैसे चलते हैं? अल्लाह की किताब कहती है वला तमशी फिल अर्द मरहा, कि जमीन पर जब चलना तो अकड़ कर मत चल जा। हमने नमाज में कहा था अल्लाह सीधा रास्ता चला, और यही हमारी कौम का बच्चा जब बाइक लेकर निकलता है तो फिर इसका चलना दे। कल तक जब मुसलमान इस जमीन पर चलता था ना, ऊंट पर चलता था, घोड़े पर चलता था, जमीन पर चलता था, रास्ते में कोई बड़ा बुजुर्ग मिल जाए, आलिम दीन मिल जाए, पीर मिल जाए, कौम का कोई रहबर मिल जाए तो रुकता, सवारी पर होता सवारी रुका था, उतरता, उतरने का मौका नहीं मिलता,
इत्मीनान से झुक कर सलाम करता। जब ऐसा सलाम करने वाला इस जमीन पर अदब के साथ आगे बढ़ता था तो लोग पीछे दुआ करते थे, अल्लाह ये कितना नेक बंदा है, ये जिस मकसद के लिए जा रहा है तो उस मकसद में कामयाबी अता फरमा। लेकिन हमारा हाल ये है कि जब हम चलते हैं ना तो हम सैकड़ों की बद्दुआएं लेते, गालियां लेकर हम चलते हैं, हम बाइक लेकर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में बाइक नहीं आई है, हेलीकॉप्टर का स्टेयरिंग आया हुआ है, उड़ा कर निकलना। कुरान ने कहा अकड़ कर मत चलो, अरे अकड़ने वालों के लिए कहा गया है, अकड़ने वालों गौर से सुनो, फरमाया गया कि अकड़ कर चलने वाला जब इस जमीन के अंदर जाता है तो जमीन उसको इस तरह अपनी बांहों में लेती है जिस तरह कुश्ती लड़ने वाला एक पहलवान दूसरे पहलवान को लेता है। और रेसलिंग देखने वाले, कुश्ती देखने वाले सबको पता है, पहलवान दूसरे पहलवान को लेता है तो गले मिलने के लिए नहीं, उसकी हड्डियों को, उसकी पसलियों को तोड़ने के लिए लेता है। लेकिन जब जमीन पर चलने वाले वो इबादुर रहमान के बंदे, जब जमीन पर अल्लाह के कानून के मुताबिक चलते हैं, जमीन पर आजीसी और इंकिसारी के साथ चलते हैं, अखलाक और किरदार के साथ चलते हैं, जब ऐसा बंदा कब्र की गोद में जाता है तो ऐसे बंदे को पहलवान की तरह जमीन नहीं लेती है, बल्कि जिस तरह एक माँ बच्चे को मोहब्बत से गोद में लिया करती है, ये जमीन अल्लाह के उस वारिस को भी अपनी गोद में लिया करती है। आज हमने जमीन का हक अदा नहीं किया, जब भी तो जमीनों से निकालने की बात की जाती है। मुसलमानों, जमीन का वारिस, कंट्रोलर, ताजदार अल्लाह किसको बनाता है? तो अल्लाह ने एक कैद लगाई है, तुझे पैसे वाला बनना जरूरी नहीं है कि तू तीन तीन चार चार पांच पांच माले खरीद कड़ा करेगा। अरे देख गरीब नवाज की सीरत को, ऐसा लिबास था मेरे गरीब नवाज के जिसमें पाक पर के जिसमें तकरीबन 72 पैवंद पैचेस लगे हुए थे। पूरी जिंदगी हिंदुस्तान आने के बाद कपड़ा नहीं बदला, लेकिन आलम यह है कि हिंदुस्तान के जिस खित्ते में जाते हो वहां पर गरीब नवाज के गुलाम उनका जिक्र करते हुए नजर आते हैं। जिसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, अलग ही जुबान है, एक दूसरे को नहीं पहचानते, लेकिन मुसलमानों का कलमा पढ़ने वाला हर बच्चा किसी को पहचाने ना पहचाने हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज को पहचानता हुआ नजर आ रहा है। मेरे गरीब नवाज 810 साल हो गए, किसी ने नहीं। और देखो अल्लाह ताला जमीन का कंट्रोलर कैसे बनाता है, वारिस कंट्रोलर, ये मेरा जुमला है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला ले, कुछ लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान पर मुसलमान कब्जा करने के लिए आया था। पता नहीं ये मीडिया वाले, ये पॉलिटिशियन लोग क्यों लोगों को लड़वाना चाहते हैं। यही हिंदुस्तान है, इस जमीन पर एक अल्लाह के मकबूल बंदे आए जिनको दुनिया मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहती है। जब ये किचोचा की सरजमीन पर आए तो फिर इस्तकबाल के लिए एक बहुत बड़े जमींदार थे पहुंचे, सोचे पीर आए हुए हैं, वली आए हुए हैं, खानका बनेगी, मस्जिद बनेगी, मदरसा बनेगा, ये सब बनाने के लिए जमीन चाहिए, चलो मैं भी पहुंचूं अल्लाह के वली के कदमों में, जमींदार को कुछ जमीन का हिस्सा तोहफे में पेश कर दूं। अल्लाह आज के दौर के भी जमींदारों को, पैसे वालों को ये फिक्र अता करे। लोग तो पैसे भाड़ा खाने के लिए, किराया खाने के लिए अपनी दुकान मकान उसको किराए पर दे देते हैं कि जो कैरम क्लब का अड्डा भी चलाने वाला है, लीडो चलाने वाला है, आंकड़े का नंबर वहां से बांटने वाला है। अरे भाड़ा ज्यादा आ रहा है, बस दे दो, भाड़े से मतलब है, वहां हलाल काम हो या हराम काम हो। यही वो वजह है कि जमीन तो अल्लाह उसको देगा जो सालेहीन बंदे होंगे, और हमने तो हलाल और हराम की तमीज ही नहीं की। लेकिन बहरहाल जब वो जमींदार पहुंचा मखदूमे पाक की बारगाह में और कहा हजरत आपको जो तामीर करना है मैं तोहफे में आपको जमीन देना चाहता हूं। कहा कितनी जमीन दोगे? कहा जहां तक आपकी नजर जा रही है, मेरी नजर जा रही है मालवोनी की इस गली के वो कोने तक, आपकी नजर जा रही है स्टेज के यहां तक, किसी की नजर कहां, किसी की नजर कहां जाती है। तो आपने कहा ठीक है, मेरी नजर जहां तक जाएगी तू वहां तक देगा? उसने कहा हां हजरत। आप ऊंचाई पर एक टीले पर लेकर उसको खड़े हो और कहा देख मेरी नजर वहां
तक जा रही है। उसने कहा हुजूर कहां तक? जहां तक इशारा किया तो वो खड़ा तो था हिंदुस्तान की सरजमी के टीले पर, लेकिन जब मखदूम पाक ने इशारा किया है तो हिंदुस्तान से उसको गुंबदे खजरा चमकता हुआ नजर आने लगा। का मुझे इतनी जमीन दे सकता है? कदमों में गिर गया। का नहीं हुजूर। का अरे जमीन की अगर लालच होती तो क्या मैं अपने मुल्क की सिमनान की बादशाह को छोड़कर आया होता? अल्लाह वाले तख्त के मोहताज नहीं होते। और पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कई बुजुर्गान दीन हिंदुस्तान की जमीन से मोहब्बत क्यों करते हैं? क्योंकि इस जमीन से हमारे नबी को मोहब्बत और वफा की खुशबू आया करती थी। अब देखो वक्त बहुत कम है, शायद एक या दो वाक्य बता पाऊं। अगर चाहते हो कि जमीन मुसलमानों के ताबे में आ जाए तो याद रखो आज के बाद जब जमीन पर निकलना तो अपने अकड़ के बुत को तोड़ कर निकलना। जमीन पर चलने के लिए कुरान ने तो कहा मोमिनों से कि महबूब तुम फरमा दो कुल लिल मोमिनीन यगुसु मिन अबसारिहिम व यहफदु फुरूजहुम, कि जब ये तुम्हारे गुलाम मोमिन निकले तो इनकी नजरें नीची होना चाहिए। यहां वहां देखते नहीं कि कौन कहां खड़ा है, कौन कैसी दिख रही है, माजल्ला किसी के ऊपर बुरी नजर डालते हुए नहीं। मोमिन की ये शान है कि नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए नजरों को नीचे रखता है। और हमारे आका किस शान के साथ चला करते थे? नजरें मुबारक नीची होती। बरेली के कलंदर ने कहा था नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। मुसलमानों जमीन आज भी हमारे कब्जे में आ सकती है, जमीन आज भी हमारे लिए कामयाबी की जगह बन सकती है, लेकिन इस जमीन पर जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है हम वो मकसद अदा करें, वरना यही वो जमीन होगी, यही वो जमीन होगी। याद रखें यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, मालवनी में रहने वालों, हर गली में रहने वालों कान खोल कर सुन लो। अल्लाह फरमाता है कल ये जमीन खबर देने वाली खबर, हमने जहां खड़े रहकर जो काम किया है ये जमीन सब बताएगी। आज गुलामाने पंजतन पाक ग्रुप और सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से इस महफिल को सजाया गया, मालवनी का ये पूरा मोहल्ला ये जमीन गवाही देगी। अल्लाह तेरे मोइनुद्दीन की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए इन्होंने तेरी जमीन पर तेरे मोइनुद्दीन के नाम की महफिल सजाए हुए थे। गरीब नवाज आते हैं, सिपाही कहते हैं यहां आप नहीं बैठ सकते, हमारे गरीब नवाज ने इतना ही तो कहा था कि ठीक है अब तुम्हारे ऊंट यहीं बैठे, ऊंट उनके चारा उनका, पृथ्वीराज चौहान बजागीर कंट्रोलर जमीन का नजर आता है, लेकिन ऊंट के उठने के लिए तैयार ही नहीं। क्यों बात मान रही है जमीन? क्यों अल्लाह ने वारिस बनाया गरीब नवाज को? आओ एक वाक्य बताऊं और शायद इस वाक्य को आप मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑब्जर्वेशन करके अपने दिल में बसा ले और सुन्नी दावत इस्लामी के मकसद को भी समझे कि क्यों सुन्नी दावत इस्लामी मालवनी की हर गली में गरीब नवाज के नाम का पैगाम आन करना चाहती है। अल्लाह फरमाता है अन्नल अर्दा यरीथुहा इबादियस सालिहून, जमीन का वारिस वो बनेगा जो अल्लाह का सालेहीन नेक बंदा होगा। गरीब नवाज कैसे नेक और सालेहीन बंदों की लिस्ट में आपका नाम सरे फहरिस्त नजर आता है? कैसे नेक थे, कैसे नेक थे? आपकी वालदा बीबी महनूर रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब मेरी शिकम में पेट में गरीब नवाज आए, जब मैं हामला थी, तो कभी कभी मुझे अल्लाह के जिक्र की आवाज आती थी, अल्लाह के जिक्र की। आप परेशान हो जाती, ये आवाज घर के किस कोने से आ रही है? छत से, इस कोने से, इस दीवार से? आपकी वालदा फरमाती है जब मैं गौर और फिक्र करती तो पता चलता घर की छत या कोने से नहीं, ये जिक्र की आवाज तो मेरे पेट के अंदर से आ रही है। यानी मेरे गरीब नवाज बता रहे हैं ए चिश्तियों, ए गुलामों, देखो तुम्हारे ख्वाजा की शान ये है जो माँ की पेट में रहकर अल्लाह का जिक्र करता था तो जमीन पर आने के बाद उसने कैसे अल्लाह का जिक्र किया होगा। और मेरे ख्वाजा की ये शान थी कदम बाद में पड़ता था, अल्लाह का नाम जुबान पर पहले आता था। अब थोड़े बड़े हुए ना, दूध पीने वाली उम्र थी,
विलादत हुई, दूध पीने वाली उम्र है। दूध पीने वाला बच्चा कौन सी नेकी करेगा मेरे भाई? दूध पीने वाला बच्चा तो बिस्तर में ही गंदगी कर देता है, बोलने भी नहीं आता, कैसे नेकी करेगा, चल भी नहीं सकता। लेकिन आओ सुल्तानुल हिंद की सीरत को पढ़ो। अनवारुल बयान में मिलता है कि आपकी वालदा फरमाती है कि एक दिन में अपने लखते जिगर, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे चांद जैसे हसन को बावजू होकर दूध पिला रही थी। दूध पिला रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। बीबी जान, मैं आपके मोहल्ले में रहने वाली फलाना खातून, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बीबी जान ने कहा आ जाओ बहन। जब वो अंदर आई, उसने सलाम किया, उसकी गोद में एक बच्चा था। गरीब नवाज की वालदा की गोद में मेरे गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अलैहि रहमा है। छोटी उम्र है, शीर कुवारी की उम्र जिसको कहा जाता है, दूध पीने की उम्र है। आपकी वालदा फरमाती है मैं बावजू होकर पर्दा डाल कर अपने बच्चे मोइनुद्दीन हसन को अपने सीने अपने पिस्तान से दूध पिला रही थी। उस खातून से बातचीत भी चल रही थी, दौराने गुफ्तगु। उस खातून की गोद में जो छोटा शीरकार बच्चा था वो रोने लगा, इतना रोया, बिलक बिलक कर रोने लगा। तो मैंने कहा बहन शायद बच्चे को भूख लगी है, दूध क्यों नहीं पिलाती? उसकी आंखें नम हो गई, उसने कहा बीबी जान मेरे सीने में दूध नहीं आता और घर पर भी दूध नहीं है, इसीलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं परेशान हो गई। क्या आपके घर में दूध है? आपकी वालदा फरमाती हैं अल्लाह की मसलियत मेरे भी घर में दूध नहीं था। अब वो बच्चा बिलक बिलक कर रोने लगा, उसकी रोने की आवाज कानों से लगकर दिल पर लगती थी, इतना बिलक बिलक कर रो रहा है। मैंने महसूस किया कि मैं अपने बेटे को दूध पिला रही थी, उसकी रोने की आवाज सुनकर मेरे बेटे गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन ने मेरे सीने से अपने मुंह को जुदा किया। मैंने पर्दा हटा कर देखा तो गोया मेरा बेटा इशारा कर रहा है अम्मी अब मुझे नहीं, उस रोते हुए बच्चे को दूध पिलाओ, एक बच्चा भूखा है और आपका हसन दूध पिएगा, ये हो नहीं सकता। आपकी वालदा फरमाती है मैंने उस औरत से बच्चे को लिया, पिस्तान से लगाकर सीने से लगाकर दूध पिलाने लगी, वो बच्चे का रोना बंद हुआ और फिर मैंने पर्दा हटाकर अपनी गोद में रखे हुए अपने बेटे मोइनुद्दीन हसन को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आपकी वालदा फरमाती है मुझे पता चल गया कि अल्लाह ने मेरी कोख से जिसको भेजा है ना, वो पेट भरकर पीने में खाने में नहीं बल्कि दूसरे भूखों को खिलाने में खुशी महसूस करता है। पता चल गया अल्लाह ने मेरे गरीब नवाज को जवानी में या ज़ईफी में नहीं बल्कि माँ की गोद से गरीब नवाज बनाकर पैदा फरमाया। मैं मालवनी के गयूर मुसलमानों, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं शायद मेरी बात बुरी लग जाए, हम किसी सुन्नी भाई के दिल को तकलीफ नहीं देना चाहते कि आप दरगाहों पर चादर मत चढ़ाएं, लेकिन दिल के कानों से सुनकर बताएं जिस कौम की बच्चियां मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर पैसा मांग रही हो अपने बाप के इलाज के लिए, क्या उस कौम को उस गरीब की मदद करना चाहिए या चादर चढ़ाना चाहिए? पूरी जिंदगी मेरे गरीब नवाज ने 72 पैवन लगे हुए कपड़े पहने, चादर का चढ़ा भी दोगे कोई गलत बात नहीं, लेकिन आप एक काम तो कर सकते हो, 25,000 की चादर में चादर 5,000 की हो और 20,000 का राशन मुसलमानों के गरीबों के मोहल्ले में बांट लिया जाए, 20,000 की सिलाई मशीन किसी गरीब बच्ची को दे दी जाए। अरे हम तो सुन्नी दावत इस्लामी के, हमारी तहरीक और हमारे जमात अहले सुन्नत वल जमात के गय्यूर उलमा कहते हैं कि हमें महंगा महंगा फूलों का हार भी मत पहनाओ, फूलों का हार भी मत पहनाओ। आपने सैयद अमीनुल कादरी साहब और दूसरे उलमा की क्लिप सुनी होगी, उलमा कहते हैं जिस कौम की बच्चियों के सर पर दुपट्टा और जिस्म पर बुरका पर्दा नहीं है, क्या उस कौम के उलमा को ये जेबा देता है कि वो फूलों का हार पहनकर बैठे? क्या जवाब देंगे हम गरीब नवाज की बारगाह के? गरीब नवाज कौम भूखी मर रही थी और ये लीजिए 25,000 की चादर। मैं फिर कहूंगा हम चादर के मुनकिर नहीं। अभी उस गली में 31 से पहले शायद 28 दिसंबर को प्रोग्राम था, वहां पर मैंने इसकी थोड़ी वजाहत की तो वो क्लिप इतनी वायरल हुई कि मुझे राजस्थान डिफेंस के एक कांस्टेबल या इंस्पेक्टर साहब मुसलमान है, उन्होंने वो जो क्लिप भेजी, लोगों ने उसको दिल से कबूल किया,
आज क्यों नहीं है मुसलमानों के नाम पर हॉस्पिटल? अरे ट्रेनें तो गरीब नवाज और गरीब रथ के नाम से चल रही हैं, लेकिन मुसलमानों हॉस्पिटल कब चलेंगे, स्कूलें कब चलेंगी, यूनिवर्सिटियां कब चलेंगी, जिम खाने कब चलेंगे? उसके लिए उम्मत मुस्लिमा को गरीब नवाज को अगर खुश करना है तो गरीब नवाज ने बता दिया कि लाखों की चादर और कीमती लिबास से मोइनुद्दीन खुश नहीं होता है। अगर गरीब नवाज को खुश करना है, तू अगर मेरे उर्स में नहीं आ सकता, तू अजमेर नहीं पहुंच सकता, जिस मोहल्ले में रहता है, अगर कोई गरीब भूखा है तो उस गरीब को खुश कर दे, मोइनुद्दीन हसन अजमेर से खुश होकर वहीं से तेरे लिए मगफिरत की दुआ भी फरमाने वाली है। बदलो अपनी सोच और फिक्र को, और सुन्नी दावत इस्लामी इसी फिक्र को लेकर आती। अरे जो माँ की कोख से इतना, माँ की गोद से जब इतना नेक काम कर रहा है, क्या उससे भी बड़ा सालेहीन की लिस्ट में कोई हो सकता है? और जब बंदा ऐसे नेक काम करता है कि जिसने माँ और बीबी माँ नूर फरमाती है, जब थोड़े बड़े हुए, चलने फिरने वाले उम्र वाले हो गए, तो 8 साल की गालिबन उम्र थी, हाफिज़े कुरान बन गए, और आलम ये था कि गलियों में घूमते और आकर कहते, अम्मी मैंने कुछ गरीब बच्चों को दावत दी है, अम्मी आप नियाज का एहतमाम कर, मैं सबको बुलाकर लाऊं, आपकी इजाजत है? तो वालदा कहती, बेटा जा बुलाकर। सबको लाते, अपने हाथों से अम्मी रसोई में से पकवान बनाकर देती और एक एक बच्चे को खिलाते। अम्मी कहती कि बेटा हसन तुम भी तो खा लो। तो मुस्कुराकर कहती, अम्मी मुझे खाने में इतना सुकून नहीं मिलता जितना खिलाने में सुकून मिलता। ये गरीब नवाज है। और फिर वक्त भी आया, दुनिया ने देखा, ईद वाले दिन नए कपड़े पहनकर आप ईदगाह जा रहे हैं, और देखा कि एक बच्चा यतीम है और नाबीना भी है, कोई पुरसाने हाल नहीं रो रहा है। हम लोगों का दिल इतना सख्त हो गया ना भाई, किसी के आंसू भी हमारी फिक्र पर असर नहीं करते। मैं एक बात 31 दिसंबर को बता रहा था, जहन से निकल गई कि करीब ही में एक इलाका है, मस्जिद की सीढ़ी पर एक बहुत उम्र दराज औरत बैठकर दवा के पेपर बताकर लोगों से मांग रही थी। मैं सीढ़ी पर उस माई के पास बैठ गया। हम लोग बहुत बैठते ना कैरम क्लब में, ड्रग्स के अड्डों पर, मुझे शर्म आती है, शर्म। हमारी कौम के नौजवान, जिस कौम के अंदर गरीब भूखा मर रहा है और वो कॉरेक्स पीने में और नशा करने में पैसा डालते, क्या जवाब देंगे हम? जब उस माँ से पूछा ना मैंने कि माँ जी तुमको यहाँ कौन दे, तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो कहा मेरा बेटा तो फलानी के साथ शादी कर भाग गया, और ये मेरे इलाज के लिए नहीं, मेरी बेटी के इलाज के लिए मांग रही हूँ, मेरी बेटी ने शादी तक नहीं की, कि मेरे जाने के बाद अम्मी तुमको कौन संभालेगा, आज वो बीमार है, मैं उसके लिए मांग रही हूँ। मैंने कहा माँ जी बहुत माफी चाहता हूँ, जो मस्जिद के चंदे में जल्दी 10 रुपया नहीं देते तुमको देंगे। लेकिन उस खातून ने एक बात बताई, कहा बेटा मुझे पता है सब नहीं देंगे, लेकिन एक देने वाला आया, मेरा 2.5 लाख का खर्चा है, उस अकेले ने मुझे 2 लाख दे दिए, अकेले ने। अरे एक खड़ा होता है तो एक मरीज को ठीक कर सकता है, पूरा मालवनी खड़ा होगा तो बताइए क्या कोई भीख मांगने वाला हमारी कौम में रह सकता है? आप गरीब नवाज के नाम पर उसकी मशीन पर लिखा दे KGN, और उस घर की औरत से कहें, बच्ची से कहें, गलत काम पर मत जाओ, कैटरिंग पर जाती हो, जिस्म का नुमाए जिस्म की नुमाइश होती है, पर्दा जाया होता है, आओ ये हलाल तरीके से काम करो, इस मिशन को आगे बढ़ाए, गरीबों की मदद करे। और जितना हो सके अगर गरीब नवाज को राजी करना है तो आसान रास्ता मैंने बता दिया, गरीबों को राजी करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी। तशरीफ रखें। आप देख रहे हैं हमारे हर दिल अजीज साथी मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी जनाब सादिक रज़वी साहब क़िबला, इनके आप बहुत देर से मुंतज़िर थे, वो आपके सामने रूबरू हैं।
इनका खिताब नायाब तो हर कोई जानता है, अल्फाज का मोहताज नहीं है। और अभी से आपने जो मुबल्लिगे सुन्नत इस्लामी जनाब यूनुस रज़वी साहब का खिताब सुना, मुझे लगता नहीं कि इस खिताब के आगे अब आपको कुछ समझाने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला इन सारी बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए मैं मोहतरम जनाब सादिक रज़वी साहब से पहले कुछ अशआर आपको सुना दूँ, एक माहौल ज़रा बन जाए तो सब लोग मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, वालिना अंदाज में मनकबत का साथ दें और साथ मिलकर पढ़ें और गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। आइए मोहब्बत के साथ सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ें सल्लल्लाहु अलैका या رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کہ تیری رحمتوں کا دریا تیری किस किस पर करम है, करम है। तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरयाम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरयाम चल रहा है। मैं न देती
शेर पे तो शायद खामोश नहीं रहेगा, शेर देखें कि उसे क्या मिटाए दुनिया, उसे क्या गिराए दुनिया, उसे क्या मिटाए दुनिया, उसे क्या गिराए दुनिया, उसे क्या मिटाए दुनिया, उसे क्या नक्शे कदम पे तेरे, नक्शे कदम पे तेरे जो गुलाम चल रहा है, नक्शे कदम पे तेरे जो गुलाम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, उसे चाहती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, उसे चाहती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, उसे चाहती है दुनिया, किसको किसको कि रहे इश्क मुस्तफा पे, रहे इश्क मुस्तफा जो गुलाम चल रहा है, रहे मुस्तफा पे जो गुलाम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। وقت کی قلت ہے اس لیے صرف اکتفا کرتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز سے ہم مبلغ سنی دعوت اسلامی محمد واصف رضا نوری صاحب سے کلام سماعت کر رہے تھے۔ اب آئیے بلا تاخیر ہمارے ہر دل عزیز آئے ہوئے مہمان خصوصی رکن مجلس شورا سنی دعوت اسلامی محمد صادق رضوی صاحب۔ اس علاقے میں آپ شاید پہلی مرتبہ آپ کو ہم ان کو سماعت کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ مالونی میں کئی خطابات آپ کے ہوتے رہتے ہیں، اور آج اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آج یہاں پر بھی اللہ اس کے رسول کے فرامین سنانے کے لیے حضرت تشریف لائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان میں وہ تاثیر دی ہے کہ جہاں آپ جاتے ہیں الحمدللہ خاص کر نوجوان آپ کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ دیوانے سے مراد رائے حق کے مسافر بننے کی متلاشی ہوتے ہیں، جو آپ کا حضرت کو ایک مرتبہ سنتے ہیں، اور حضرت الحمدللہ ہندوستان بھر میں آپ کے خطابات ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کا کرنا اور اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں پھر سے وہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم حضرت محمد صادق رضوی صاحب کو سننے کے لیے یہاں پر پھر سے جمع ہوئے۔ اب آئیے ہم اپنے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد،
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ تو ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں ناتواں کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز وہیں تو جائیں گے ہوں گے جہاں غریب نواز غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز وہیں تو جائیں گے ہوں گے جہاں غریب نواز اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز اور بہت خوب کہا مولانا حسن رضا نے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا اور ہے تیری ذات عجب بحرِ حقیقت پیارے ہے تیری ذات عجب بحرِ حقیقت پیارے کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں آج کی شب ہم اور آپ ملاڈ مالونی کی سرزمین پر جشن غریب نواز منانے کے لیے جمع ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم غریب نواز کے صدقے محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند آسمان پر چمکتا ہے دنیا بھر سے زائرین کے قافلے اجمیر شریف کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بارگاہ غریب نواز میں حاضری دے کر اپنی محبت اور غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور بارگاہ غریب نواز سے من مانگی مرادیں حاصل کر کے اپنے اپنے گھروں شہروں اور ملکوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو
गरीब नवाज के चाहने वालों की जमात में पैदा फरमाया। मेरे प्यारे आका अली सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं कुछ बातें आपके सामने माह रजब के ताल्लुक से पेश करना चाहूंगा और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम अजमत गरीब नवाज समाप्त करेंगे। आप जानते हैं माह रजबुल मुरज्जब ये इस्लामी साल का सातवां महीना है और इस माह मुबारक की बहुत सी फजीलतें अहदीस मुबारका में मौजूद हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक महीनों की गिनती 12 है, यानी साल भर में 12 महीने होते हैं। न इसमें कमी की जा सकती है, न इसमें ज्यादती की जा सकती है, बल्कि साल में 12 महीने होते हैं। आप ये याद रखें। अब इन 12 महीनों में फरमाया गया कि 4 महीने हुरमत वाले, ये 4 हुरमत वाले महीने कौन से? एक तो माहे रजबुल मुरज्जब है और बाकी के जो 3 हैं वो तीनों तरतीब वार एक साथ आते हैं, ज़िलकादा, ज़िलहज्जा और माहे मुहर्रमुल हराम, यानी 11वां महीना, 12वां महीना और पहला महीना, वो तीनों एक साथ आते हैं। और ये अलग आता है, ये 7वां महीना है जिसको माहे रजब कहते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हुरमत वाले होने से मुराद क्या है? हुरमत वाले से मुराद ये है कि ये 4 महीने अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा बुजुर्गी वाले हैं और इन 4 महीनों में हमें और आपको ज्यादा से ज्यादा नेकियों की कोशिश करनी चाहिए और गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कहें इंशाअल्लाह। फरमाया गया कि जमाने जाहिलियत में भी लोग इन 4 महीनों का बहुत एहतराम किया करते थे। जमाने जाहिलियत किसे कहते हैं जानते हैं आप? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले जो दौर था उसे जमाने जाहिलियत कहते हैं। अब मालूम हुआ कि हुजूर के ऐलान नबुव्वत का के बाद का जमाना जो है वो इल्म का जमाना है और जो हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले का जमाना है वो जमाने जाहिलियत। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जमाने जाहिलियत में भी फरमाया गया कि कुफार और मुशरिकीन इन 4 महीनों का एहतराम करते थे और इन 4 महीनों में पहले से अगर कोई जंग जारी होती तो वो उसको रोक देते, किसी नई जंग का आगाज नहीं करते थे। यहां तक कि अगर किसी को कहीं अपने बाप का कातिल भी मिल जाए तो उसको छेड़ते नहीं थे बल्कि उसको छोड़ दिया करते थे। और अरब की जंगें आप जानते हैं, चूंकि ताई जमाने जाहिलियत तो अरब की जंगों का हाल यह था कि छोटे छोटे झगड़े 7-7 पुश्तों तक चला करते थे। अगर किसी कबीले का ऊंट किसी दूसरे कबीले के खेत में घुस गया, दाखिल हो गया, तो अब यह झगड़ा 7-7 पुश्तों तक चलता था। बाप जब बिस्तर पर मरने के करीब होता तो अपने बेटों को वसीयत करता था कि मेरे बेटों, फला कबीले का एक ऊंट तुम्हारे परदादा के खेत में दाखिल हो गया था जिसकी वजह से तुम्हारे परदादा ने पूरी जिंदगी उस कबीले के साथ जंग की। उनके बाद तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे दादा ने पूरी जिंदगी जंग की, उनके बाद मैं पूरी जिंदगी जंग करता रहा। अगर तुम चाहते हो कि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले तो वादा करो कि तुम अपने परदादा के खेत में घुसने वाले उस ऊंट का बदला लोगे और अपने बाप दादा की तरह तुम भी उस कबीले से जंग करते रहोगे। तो बेटे वादा करते थे कि आप मुतमईन होकर मरे, हम वादा करते हैं कि आपके बाद हम इस जंग को रोकेंगे नहीं, जारी रखेंगे और अपने बेटों को भी वसीयत करेंगे कि वो भी इसका बदला जरूर लें। आप जानते हैं अरब के लोग जंगों के इतने शौकीन थे
कि बाकायदा वो अपने बातिल माबूदों से दुआएं करते थे कि मैं ये पसंद करता हूं कि मौत मुझे इस हाल में आए कि दुश्मन मुझे कत्ल कर दे और कत्ल करने के बाद मेरी लाश पर घोड़े दौड़ाए, मेरे नाक को कान को काटे, मेरे हाथ पैर को जिस्म से जुदा कर दे, मेरी एक एक उंगलियों को टुकड़े टुकड़े कर दे। यानी वो दुआएं करते थे कि मौत आए तो मुझे इस हाल में मौत आए। और जमाने जाहिलियत में अगर कोई बीमारी से बिस्तर पर मर जाता तो लोग उस मौत को बुरी मौत तसव्वुर करते थे। यानी लड़ने भिड़ने के इतने शौकीन थे कि वो मौत भी चाहते थे कि जंग के मैदान में आए। और ये जंग नाहक होती थी, अदल और इंसाफ के लिए नहीं, हक के लिए नहीं, सच्चाई के लिए नहीं, बल्कि मामूली मामूली झगड़े। तो फरमाया गया इन हुरमत वाले महीनों का वो ऐसा एहतराम करते कि अगर किसी को कहीं अपने बाप का कातिल भी मिल जाता तो उसको छेड़ते नहीं थे बल्कि छोड़ दिया करते थे। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, बनी साइल का एक नौजवान किसी औरत पर आशिक हुआ, मौका देखकर उसने उस औरत को प्रपोज किया, इजहार मोहब्बत किया। उस औरत ने कहा कि ठीक है आज शाम हो जाए, जब लोग अपने अपने घरों में हों तो लोगों से नजरें बचाकर तू मेरे घर आना, फिर मैं तुझसे बात करूंगी। अब उस नौजवान ने लोगों से नजरें बचाकर वादे के मुताबिक शाम को उस औरत के घर में दाखिल हो गया। अभी दोनों गुफ्तगू कर रहे थे आपस में, अचानक घर के बाहर से एक शोर की आवाज सुनाई दी, लोगों की आवाज सुनाई दी। नौजवान घबरा गया कि कहीं लोगों को पता तो नहीं चल गया कि मैं तेरे घर में हूं, कहीं लोगों ने घर का घेराव तो नहीं कर लिया। उस नौजवान ने उस औरत से कहा कि बाहर देख मामला क्या है। औरत ने खिड़की खोलकर देखा, वापस आई और आकर कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा मेरा कोई मसला नहीं है, दरअसल नए महीने का चांद निकल आया है, उसी चांद को देखने के लिए लोग अपने अपने घरों से निकले, ये शोर और हंगामा इसी वजह से। तो उस शख्स को बड़ा ताज्जुब हुआ, उसने उस औरत से कहा कौन सा महीना हो गया, किस महीने का चांद आया कि जिसे देखने लोग निकल पड़े। उस औरत ने जवाब दिया कि माहे रजब का चांद हो गया। अब उस नौजवान ने जब ये सुना कि माहे रजब का चांद, चूंकि वो लोग भी एहतराम करते थे इन महीनों का, उसने फौरन अपने दिल से बुराई का इरादा निकाल दिया, उस औरत से माजरत चाही, इजाजत ली, अपने घर वापस चला गया। यानी उस औरत के घर में दाखिल हुआ था गुनाह के इरादे से, लेकिन जब पता चला कि माहे रजब का चांद हो गया तो गुनाह का इरादा छोड़कर वापस अपने घर चला गया। अल्लाह ने उस दौर के नबी पर वही नाजिल की कि मेरे उस बंदे को खुशखबरी सुना दो जिसने माहे रजब के एहतराम में गुनाह छोड़ दिया, मैंने उसको जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। अब जरा सोचें कि बनी इसराइल का एक शख्स माहे रजब के एहतराम में गुनाह का इरादा छोड़ दे, अल्लाह उसकी मगफरत फरमा दे। हम तो इमामुल अंबिया के उम्मती हैं, हम तो महबूबे परवरदिगार के उम्मती हैं, हमें भी चाहिए कि हम इस महीने का एहतराम करें, कहें इंशाल्लाह। और याद रखें कभी कभी नेकियां करने ही पर अल्लाह सवाब नहीं देता, बल्कि गुनाह से बचने पर भी मेरा मौला सवाब अता फरमाता है। दिल कर रहा था कि मैं ये कर लूं, लेकिन मैंने अपने नफ्स पर काबू किया, कंट्रोल किया और मैंने वो गुनाह नहीं किया। तो अब उस गुनाह से हालांकि मौका था कर सकती थी लेकिन नहीं किया, बच गया, तो इस बचने पर भी मेरा करीम हमें सवाब अता फरमाता है। आप जानते इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शौहर जब अपनी बीवी के पास जाता है तो बीवी की कुर्बत इख्तियार करने पर अल्लाह शौहर को और बीवी को दोनों को सवाब अता फरमाता है, नेकियां अता करता है। सहाबा इकराम को बड़ा ताज्जुब हुआ, अर्ज करते हैं आका
अगर बीवी शौहर के पास गई या शौहर बीवी के पास गया तो अपनी नफ्स की जरूरत को पूरा करने के लिए वो गए, इसमें सवाब क्यों बना? अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को उन्होंने एक दूसरे से पूरा किया तो आखिर इस पर सवाब क्यों? मेरे आका ने फरमाया कि अगर शौहर बीवी के पास ना जाता, किसी और औरत के पास जाता तो बताओ गुनाह होता कि नहीं होता? सहाबा ने कहा यकीनन इस पर तो गुनाह होता। आका फरमाते किसी और के पास जाता तो गुनाह होता, इसलिए बीवी के पास गया अल्लाह सवाब अता फरमाता है। कितना प्यारा मजहब है। सर्दियों का मौसम चल रहा है, आप जानते मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सर्दियों की रात में वो माँ बाप जो रातों को उठ उठ कर अपने बच्चों के जिस्मों पर चादर डाला करते हैं अल्लाह उनको जिहाद का सवाब अता फरमाता है। अच्छा, रात मेरी भी आंख खुलती है, मैं अपने 3.5 साल के बच्चे को देखता हूँ कि उसके जिस्म से चादर हट गई है तो क्या करता हूँ? मैं उड़ के सो जाता हूँ? मैं उसको भी उड़ाता हूँ कि नहीं? ये बाप होने का तकाजा, ये फितरत पिदरी। बाप हैं तो ये इमोशंस, ये फीलिंग्स तो होगी ना औलाद के लिए। तो अब अगर आपने रात को उठकर अपने बच्चों के जिस्मों पर चादर डाला तो नेकी कमाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि बाप थे तो औलाद की मोहब्बत में आपने ये काम किया। लेकिन कितना पाकीजा मजहब है मेरा। आका फरमाते कि औलाद को चादर उड़ाने पर भी अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब अता करता है। हमारी माए बहनें सुन रही हैं, अगर मौजूद हो तो वो भी सुन। सहाबियात मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुई और रिक्वेस्ट की, अर्ज करती हैं आका हम कितनी भी नेकी कर लें लेकिन नेकियां करके हम मर्दों के बराबर तो नेकी में पहुंच ही नहीं सकते। उसकी वजह के मर्द तो पूरे महीने नमाज पढ़ते हैं लेकिन महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में नापाकी की वजह से हम पर नमाज माफ होती है, तो वो पूरे महीने पढ़कर सवाब लें, हम पूरे महीने पढ़ ही नहीं सकते। मर्द पूरे महीने रमजान का रोजा रखे, हम पूरे महीने का रोजा भी नहीं रख सकते। आका मर्द जिहाद पर जाते हैं, हमें जिहाद पर जाने से रोका गया है, आप हमें इजाजत दे कम से कम हम भी जिहाद के मैदान में उतरे ताकि कुछ तो और ज्यादा नेकी हम कमा सकें। तो जानते हो मेरे नबी ने क्या फरमाया? आका फरमाते हैं मर्द जाकर तलवार लेकर अपनी जान को जोखिम में डालकर मैदान में उतरता है, दुश्मन का मुकाबला करता है, इस पर अल्लाह उसको जिहाद का सवाब देता है। लेकिन ऐ मेरी उम्मत की औरतों, तुम जो दिन रात अपने घर के काम काज में लगी रहती हो, ये जो तुम झाड़ू लगाती हो, ये जो तुम बर्तन धोती हो, ये जो तुम खाना पकाती हो, ये जो तुम अपनी औलाद का हक अदा करती हो, ये जो तुम अपनी अपने शौहर की खिदमत करती हो, अल्लाह तुम्हें इन सारे कामों के वज ही घर में बैठे बैठे जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। आप सोचें कितना प्यारा दीन है हमारा, कितना प्यारा दीन। इसके बावजूद हमारा हाल क्या जानते हैं? अरे मेरे आका ने कदम कदम पर नेकियां कमाने का रास्ता अता कर दिया, लेकिन हम अपने आका की उन तालीमात को छोड़कर यहूद और नसारा के पीछे पीछे जा रहे हैं, मगरबी दुनिया के पीछे पीछे जा रहे हैं। मैं यहां आने से पहले बांद्रा में एक जगह तकरीर करके आया जहां मदरसे के बच्चों की फरागत थी, मगरिब से इशा मेरा बयान वहां था, मैं वहां तकरीर करके बैठा। एक छोटा सा बच्चा 7-8 साल का बिल्कुल आगे बैठा था, टोपी पहनकर, जींस और शर्ट पहनकर, उसकी जींस 7-8 जगह से फटी हुई थी और घुटने उसके दोनों घुटने बाहर थे। और आप जानते हैं इसका शुमार तो 70 में है, मर्द के लिए 17 औरत है, उसके दोनों घुटने बाहर दिख रहे थे। मैंने कहा बेटा मस्जिद में आने के लिए इससे बेहतर कपड़ा नहीं मिला तुझे, इससे बेहतर कपड़ा नहीं मिला मस्जिद में आने के लिए? नहीं, ये तो बच्चा है, ना समझ। माँ बाप तो अकल रखते हैं ना कि मस्जिद में जा रहा है, जलसा है तो कम से कम कपड़ा तो ढंग का पहना कर भेज दे। तो अब बच्चा तो नादान था बेचारा, छोटा सा, जानते हो क्या कहता है? वो कहता है अब्बा जब लेकर आए थे तभी फटी हुई थी, यानी अब्बा जब खरीद के लाए थे मैंने नहीं फाड़ा,
अब्बा खरीद के लाए थे तभी फटी हुई थी ये पैंट। अब तो अब्बा भी अपने बेटों के लिए फटी हुई पैंट खरीदते हैं। फिर बेटा बड़ा होगा तो वो क्या सही सलामत खरीदेगा? वो भी फटी हुई खरीदेगा। अच्छा पहले कपड़े फट जाते थे, लोग पहनना पसंद नहीं करते थे। अब तो मार्केट में जाकर लड़के फटी हुई जींस खरीदते हैं। वो ढूंढते हैं कि फटी हुई हो तो वो, और जितनी ज्यादा फटी होती उतनी महंगी होती है, उतनी महंगी होती है। पता नहीं फाड़ने का भी चार्ज लेते हैं वो, फाड़ने का। मेरे प्यारे आका के पैरदवानों, हम उस दौर से गुजर रहे हैं, उस दौर से। और हैरत होती है कि गैर ये करे तो करे, आखिर इस्लाम का और मुसलमान का इससे क्या ताल्लुक है? कान में बाली पहनना ये मर्दों का काम है कि औरतों का है? हाथ में चूड़ियां कंगन कड़े पहनना मर्द का काम है कि औरत का? अब ये सारी चीजें मर्दों में पाई जाती कि नहीं पाई जाती? आपके अपने मोहल्ले में कितने बाली वाले, कितने ब्रेसलेट वाले, कितने हाथ में चैन और जंजीर वाले मिलेंगे आप देखें? मेरे प्यारे आका के पैरदवानों, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, उन्होंने लोहे की अंगूठी पहन रखी थी, लोहे की। नबी ने फरमाया क्या बात है, मैं तुम्हारे जिस्म पर जहन्नमियों के जेवर देखता हूं। यानी ये मेटल, ये लोहे के कड़े पहनना, अंगूठी पहनना, ब्रेसलेट पहनना, चैन पहनना, नबी ने फरमाया ये जहन्नमियों के जेवर। आज मुसलमान मोटी मोटी जंजीरें पहनकर घूमता है कि नहीं घूमता बताइए? ये क्या फैशन है, ये क्या ट्रेंड है, ये क्या तरीका है? क्या ये इस्लामिक कल्चर है? क्या आपको शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है? तो मेरे प्यारे आका के पैरदवानों, याद रखें, सिर्फ नेकियां करने पर अल्लाह सवाब नहीं देता, गुनाहों से बचने पर भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है। जब सारे फटी जींस पहनकर घूमते हो, तेरा दिल भी चाहता हो कि तू भी पहन ले, लेकिन तू अपने नफ्स को मारकर शरीयत के खिलाफ काम करने से बच जाए तो अल्लाह इस पर भी तुझको सवाब अता फरमाएगा। और एक बात याद रखें, अगर कोई आदमी जिंदगी भर जिना से बचता रहा तो उसने कोई कमाल नहीं कर दिया। मौका अगर था ही नहीं जिंदगी में जिना करने का और वो बचकर निकल गया तो ये कमाल नहीं है। अरे कमाल तो ये था कि जिंदगी में सैकड़ों मौके आए थे, वो ये हरामकारी कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया कि अगर मैं करूंगा नफ्स राजी होगा और अगर मैं बचूंगा मेरा मौला राजी होगा। मौके थे और बचा, इस पर अल्लाह सवाब अता करेगा। और कभी जिंदगी में मौका मिला ही नहीं, असल आजमाइश तो ये नहीं है कि तुझे मौका मिला नहीं और तू बच के निकल गया। असल आजमाइश तो ये है कि मौके तो बहुत थे लेकिन और फिर भी तू बच के निकल गया, फिर भी। तो आज तो ये सारी चीजें आम हो चुकी, तो इसी बहती गंगा में खुद भी डुबकी लगा देना ये कमाल नहीं, बल्कि जहां सारे डुबकी लगा रहे हो अपने आप को बचा ले जाना ये कमाल की बात, ये कमाल की। और ये बहुत आसान, ये बहुत आसान। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तकवा किसे कहते हैं? तकवा, मेरे प्यारे आका के पैरदवानों, मौलाए कायनात मौला अली करमल्ला वजुल करीम से पूछा गया जन्नत कितने फासले पर है? तो आपने फरमाया जन्नत दो कदम के फासले पर है। कितने कदम के? दो कदम के फासले पर। सवाल करने वाले को हैरत हुई, दो कदम के फासले पर वो कैसे? आप फरमाते एक कदम अपने नफ्स पर रख दे और दूसरा पैर जन्नत में रख दे। एक पैर नफ्स और दूसरा जन्नत में। मालूम हुआ नफ्स का गला घोटेगा तब अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। नफ्स के पीछे दौड़ेगा तो जन्नत में जाएगा, नफ्स के पीछे दौड़ेगा तो नफ्स परस्त कहलाएगा, नफ्स के पीछे दौड़ेगा तो दुनियादार कहलाएगा, नफ्स के पीछे दौड़ेगा तो गुनाहगार कहलाएगा, नफ्स के पीछे दौड़ेगा तो अल्लाह रसूल का नाफरमान कहलाएगा। और नफ्स का गला घोटेगा तब जाकर तेरा शुमार नेकों में किया जाएगा, फरमाबरदारों में। और मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, एक बात जिंदगी भर याद रखना, कोई नफ्स परस्त अल्लाह का वली बन ही नहीं सकता। जिन्होंने नफ्स के गले घोंटे हैं
अल्लाह ने उन्हीं को मकाम विलायत अता फरमाया है। क्या कोई मावा जर्दा गुटका खाते खाते वली बन जाता है? अच्छा हुक्का पीने से विलायत मिलती है, कव्वाली सुनने से विलायत मिलती है। हाँ कव्वाली सुनोगे तो वली बन जाओगे, चरस शिलम गांजे का दम मारेंगे तो वली बन जाएंगे। आज लोगों ने समझा ये सब करेंगे तो विलायत मिलती है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, ये सारी चीजें नफ्स को भाती हैं। अल्लाह रसूल को नहीं पसंद ये सारी चीजें, और तू अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके आखिर अल्लाह का वली कैसे बन सकता है? मकामे विलायत पर वही पहुंचता है जो अल्लाह की रजा के लिए अपने नफ्स को जबा कर देता है। हुजूर गौसे आजम से बड़ा कोई वली है? गौसे आजम तो सारे वलियों के इमाम है। जब गौसे आजम बगदाद में जेरे तालीम थे, बगदाद के मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे, तो आपका हाल ये था, खुद फरमाते हैं कि मैं भूख की वजह से बगदाद के जंगलों की तरफ दौड़ जाता था। कहते कभी कभी गिरी पड़ी मुबाह चीजें उठा कर खाता था, गिरी पड़ी चीजें। आज कोई चीज हाथ से गिर जाए, आप अपने बच्चों को उठाकर खाने नहीं देते, खाने देते? आपने आइसक्रीम दिलाया 10 रुपए की, बच्चा उसको चाटता हुआ जा रहा था, अभी 10 कदम गया था कि हाथ से छूट कर गिर गई। बच्चा है नादानी में, फिर लपक कर उठा लिया, खाने देंगे आप उसको? खाने देंगे नहीं। गौसे आजम वलियों के इमाम, अरे हिंदुस्तान के राजा अगर गरीब नवाज हैं तो याद रखना हिंद की बादशाहत भी गरीब नवाज को गौस पाक ने अता फरमाया। अभी मैं आपको बताऊंगा, वो गौस पाक फरमाते मैं जंगल की तरफ दौड़ जाता, गिरी पड़ी मुबाह चीजों को उठाकर खाता, और कभी कभी ऐसा फरमाते मैं बगदाद के गरीबों को देखता, उनकी गुर्बत पर मुझे तरस आता, मैं अपनी भूख बर्दाश्त कर लेता और वो जमीन से उठाई चीजें उन गरीबों को मैं खिला देता था। कभी मैं दरख्त के पत्ते तोड़कर खाता था, कभी मैं सिर्फ पानी पीकर गुजारा करता था। और फरमाते कभी तो ऐसा भी वक्त आता कि ना कुछ खाता ना कुछ पीता और बिन खाए पिए महीनों गुजर जाया करते थे। कौन है ये गौस पाक? ये वो गौस पाक हैं कि जो मुर्गे को जबा करके पकाते खाते हैं और फिर खाने के बाद दोबारा उसको जिंदा भी कर देते हैं। अल्लाह ने वो इख्तियार अता किया। ये वो गौस पाक हैं, अगर कसम उठा ले मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा पीऊंगा जब तक के खुद अल्लाह मुझे न खिलाए पिलाए, तो अल्लाह तबारक ताला कसम देता है, कसम है अब्दुल कादिर तुझे मेरी खा ले, कसम है अब्दुल कादिर तुझे मेरी पी ले। इसलिए मेरे इमाम ने कहा कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये मकाम गौस पाक का है। आप जरा सोचें कि मुर्गा खाते भी हैं, उसको जिलाते भी हैं, लेकिन गौस पाक भूखे भी हैं, गौस पाक प्यासे भी हैं, आखिर वजह क्या है? तो वजह आपकी गरीबी नहीं थी, वजह आपकी मजबूरी नहीं थी, वजह घर से दूरी नहीं थी, बल्कि वजह अपने नफ्स का गला घोटना था। गौस पाक जानते थे जब तक नफ्स को जबा नहीं करूंगा तब तक अल्लाह मकाम विलायत अता नहीं करेगा। आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपने नफ्स का गला घोटने की कोशिश करते, भला बताइए। आप जानते हैं, आप रास्ते से गुजर रहे थे और अचानक किसी लड़की के चेहरे पर आपकी नजर पड़ गई। अब नजर पड़ने के बाद, ये अचानक पड़ी, नजर पड़ने के बाद अंदर से आवाज आई, नफ्स ने कहा कितनी खूबसूरत, बाल कितने अच्छे, कितनी गोरी आंखें, देख कितनी अच्छी हैं। अब दोबारा आपने देखा उसको, नफ्स ने और वरगलाया, तीसरी बार देखा आपने, चौथी बार देखा आपने, फिर या तो आपने पीछा किया, या तो आपने छेड़ने की कोशिश की, या तो अपने आप को उसके सामने स्मार्ट दिखाने की कोशिश की। आप जानते हो नबी ने क्या फरमाया? आका फरमाते जो पहली नजर तेरी पड़ी थी वो पहली नजर माफ है, और दूसरी नजर जो तूने डाला था कयामत में उस दूसरी नजर का हिसाब। तो अब पहली के बाद क्या था?
नफ्स कह रहा था देख तो सही, देख तो सही, अब तेरी आजमाइश शुरू हुई, अब तेरा इम्तिहान शुरू हुआ, अब तू कंट्रोल करेगा तो कमाल। लेकिन कितने लोग हैं कंट्रोल करते भला बताई, कितने लोग? मेरे प्यारे आका के पैगंबर बहुत आसान है, अगर कोशिश करें तो आप कर सकते हैं। बताइए रमजान शरीफ में भूख पर कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते? रमजान शरीफ में 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे जितने घंटों का रोजा होगा प्यास पर कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते? 11 महीने शाम को 4 बजे चाय पीने की आदत, 5 बजे चाय पीने की आदत, अगर 4 और 5 बजे चाय ना मिले तो सर भारी हो जाता है, काम में दिल नहीं लगता है, एसिडिटी हो जाती है, सुस्ती महसूस होने लगती है। अगर 11 महीने थोड़ा सा शेड्यूल और टाइम टेबल आगे पीछे हो तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन रमजान शरीफ में अरे 5 क्या 7 बज गए हैं चाय नहीं पिया, कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते भला बताइए? 11 महीने में दोपहर 2:30-3 बजे खाना ना खा ले तो एसिडिटी हो जाती है, 2:30-2 बजे खाना ना खा ले तो फिर पेट में दर्द होने लगता है, तकलीफ होने लगती है और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम। रमजान शरीफ में कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते भला बताइए? तो रमजान शरीफ में जब अपने रब की रजा के लिए आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप ठान लो तो आप इसी तरह से 11 महीने भी अपने रब की रजा के लिए अपने आप को गुनाहों से कंट्रोल कर सकते। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सिर्फ नेकियां करने पर अल्लाह सवाब नहीं देता, गुनाहों से बचने पर भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है। तो माहे रजब में अगर आप एक्स्ट्रा नेकियां कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना कर सके तो कम से कम गुनाह से तो जरूर बचेंगे क्या इंशाल्लाह। अब आप कहेंगे मैं तो कोई गुनाह, मैं शराब पीता ही नहीं, मैं ड्रग्स लेता ही नहीं, मैं जुआ खेलता ही नहीं, मैं झूठ बोलता ही नहीं, मैं कौन से गुनाह से बचूं? गाना तो सुनते होंगे, सीरियल तो देखते होंगे, आपके घर से ढोल घुंघरू की आवाज तो आती होगी, क्या आप इन चीजों से अपने आप को रोक नहीं सकते? बल्कि मैं तो कहता हूं मेरे भाई, आज हमारी आज की जिंदगी, आज के दौर में सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं और उस पर आंख बंद करके हम अमल करते हैं और अमल करने के बाद उन गुनाहों को हम गुनाह तसव्वुर भी नहीं करते, जबकि सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जिससे शरीयत ने मना किया। तो माहे रजब का एहतराम करना है क्या इंशाल्लाह, माहे रजब में गुनाह से बचना है क्या इंशाल्लाह, अल्लाह तौफीक दे तो नफिल नमाजें भी पढ़ें, चंद नफिल रोजे भी रखें, कुरान की तिलावत भी करें, कुछ वज़ाइफ भी पढ़ें। मेरे आका ने फरमाया जिसने माहे रजब में 3 रोजे रखे अल्लाह उसको 9 साल के रोजों का सवाब अता फरमाएगा, यानी 1 रोजे पर 3 साल, तो 3 रोजों पर कितने साल? 9 साल, 3 रोजों पर 9 साल का सवाब। एक बुजुर्ग साहबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं आका मैं पूरे महीने का रोजा रखना चाहता हूं लेकिन इतनी ताकत नहीं रखता, यानी मैं बूढ़ा हूं कमजोर हूं। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम पहली रजब का 15 तारीख का और आखिरी तारीख या 29 या 30 तुम ये 3 रोजे रख लो, फर्स्ट लास्ट और मिडल की तारीख 15 तारीख तुम ये 3 रख लो, अल्लाह तुम्हें पूरे महीने के रोजों का सवाब अता फरमाएगा। जनाबे अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से मरवी है, आप फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 27 रजब का रोजा रखा अल्लाह उसको 60 साल के रोजों का सवाब अता फरमाएगा। मोहब्बत से कहें, अब जैसे जैसे रोजे की फजीलत बता रहा हूं सुभान अल्लाह बोलने से भी डर लगने लगा है, लोग सोच रहे हैं कि सुभान अल्लाह बोल दिया तो कहीं रखना तो नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूं रखोगे तो सवाब होगा, रखोगे तो सवाब होगा ना, और रखोगी तो अपनी मर्जी से नहीं अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह जिसको तौफीक देगा वही रखेगा, लेकिन सुभान अल्लाह बोलोगे तो उसकी अलग नेकी मिलेगी कि नहीं? तो अब उसके डर से ये वाली क्यों मिस कर रहे हो? ये वाली तो ले ही लो ना, सुभान अल्लाह तो बोल ही लो, क्या इंशाअल्लाह
फरमाया गया हुजूर की यह आदत थी, मेरे आका माहे पूरे महीने का रोजा रखा करते थे, पूरे महीने का। और आज भी ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए पूरे महीने का रखते हैं। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। आप जानते हैं मेरे आका ने फरमाया जिसने माहे रजब में एक रोजा रखा, तवज्जो है आपकी, आप साथ दें तो फटाफट अपने टॉपिक की तरफ चलूं, वरना माहे रजब ही पर गुफ्तगू होती रहेगी, गरीब नवाज का तो जिक्र भी नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा आगे आप भी बढ़े मेरे साथ, जवाब दें। जिसने एक रजब का रोजा रखा, एक दिन का, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला उसकी खातिर जन्नत वाजिब कर देगा और जमीन व आसमान के दरमियान जितनी दूरी है अल्लाह उसको उतनी नेकी अता फरमाएगा। और जिसने माहे रजब में दो रोजे रखे अल्लाह उसको दुगना अज्र अता फरमाएगा, यानी उसका डबल सवाब हो गया। और जिसने माहे रजब में तीन रोजे रखे फरमाया गया कि उसके और जहन्नम के दरमियान एक ऐसी खाई खोद दी जाएगी कि जिसकी दूरी एक साल के सफर के बराबर होगी, यानी उसको जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाएगा। जो माहे रजब में चार रोजे रखेगा अल्लाह उसको जुजाम की बर्स की बीमारी से और फितने दज्जाल से महफूज फरमाएगा। जिसने माहे रजब में पांच रोजे रखे वो कयामत के दिन अपनी कब्र से ऐसे उठेगा कि उसका चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा होगा। जो माहे रजब में छह रोजे रखेगा वो कयामत के दिन अपनी कब्र से इस हाल में उठेगा कि उसका चेहरा जन्नत की तरफ होगा और उसकी जबान पर कलमे तैयबा जारी होगा। जो माहे रजब में सात रोजे रखेगा उसके लिए जहन्नम के सातों दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जो माहे रजब में आठ रोजे रखेगा उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अब कम से कम तीन तो रखोगे ना, अब मैंने आठ की फजीलत बता दी, नौ भी बता सकता हूं, दस भी, ग्यारह भी, पंद्रह तक भी, तीस तक भी, लेकिन अब मैंने आठ बताया, कम से कम तीन तो रखोगे। अब मेरा मशवरा यह है कि तीन में आप तेरह चौदह पंद्रह का रख लें, क्योंकि हर महीने की तेरह चौदह पंद्रह तारीख का रोजा रखना हुजूर की सुन्नत मुबारक है और इसको कहते हैं अय्याम बीस के रोजे, अय्याम बीस। तो हर महीने की तेरह चौदह पंद्रह को रखें और सत्ताईस को भी रखने की कोशिश करें कि वहां साठ साल के रोजों का सवाब होगा। इसी महीने में आप जानते बहुत से बुजुर्गान दीन की तारीखें आती हैं। चार तारीख इमाम शाफई रहमतुल्लाह के उर्से पाक की तारीख, छह तारीख गरीब नवाज के उर्से पाक की तारीख, इसी तरह से इसी महीने में इमाम जाफर सादिक के भी उर्से पाक की तारीख आती है। अल्लाह के वली सहाबी रसूल हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु अन्हु की भी तारीख विसाल आती है। मौलाए कायनात की विलादत की तारीख तेरह रजब है, गरीब नवाज के विलादत की तारीख चौदह रजब है। इसी महीने में इमाम जाफर सादिक के नाम पर नियाज भी की जाती है। इसी तरह इसी महीने में, इस महीने की सत्ताईस तारीख को अल्लाह तबारक ताला ने एक अजीम मौजजे की शक्ल में अपने हबीब को सफर मेराज अता फरमाया। तो ये पूरा का पूरा महीना नेकियों से पैक्ड है, बरकतों से पैक्ड है। अब कौन कितना कमाता है, कौन कितना लेता है, ये उसके ऊपर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अब एक और फजीलत बता दूं मेरे आका ने, सारी फजीलतें मैंने बता दी, सारी ना भी बताता तो ये आखिरी जो बता रहा हूं यही एक फजीलत काफी थी इसकी अजमत को समझाने के लिए। और वो क्या है, मेरे नबी ने फरमाया रजब अल्लाह का महीना है। अब मैं पूछता हूं बाकी बारह, बाकी ग्यारह महीने किसके, बाकी ग्यारह महीने भी तो अल्लाह के है ना। सारे महीने, हफ्ते, दिन, लम्हे, घड़ियां सब अल्लाह के, लेकिन इसको खास तौर पर कहा गया रजब अल्लाह का महीना है। तो आप सोचिए कितनी अजमतों बरकतों वाला महीना है। तो इस महीने का एहतराम भी करें, इस महीने की ताजीम भी करें,
इस महीने में इबादत भी करें और इस महीने में अपने आप को गुनाहों से भी बचाएं, क्या इंशाल्लाह। बल्कि सूफिया ने यहां तक फरमाया, रजब इबादत के बीज को बोने का महीना है, शाबान उस बीज को सींचने का महीना है तौबा इस्तगफार के आंसुओं से, और रमजान रजब में बोए गए बीज को काटने का महीना है। यानी गोया सूफिया ये फरमाना चाहते हैं, अगर तुम माहे रमजान में फसल काटना चाहते हो तो तैयारी तुम्हें माहे रजब से करनी होगी। और सहाबा की आदत थी, सहाबा करते थे माहे रजब ही से वो तैयारी शुरू करते थे माहे रमजान की। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अब चूंकि ये महफिल है गरीब नवाज के नाम पर, ख्वाजा ख्वाजा ख्वाजे ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल, मेरे गरीब नवाज आप हसनी हुसैनी सैयद 14 रजबुल मुरजब 537 हिजरी आपकी तारीख विलादत, आपकी विलादत हुई खुरासान में जो ईरान का इलाका है। आपके वालिद सैयद गयासुद्दीन अपने वक्त के बहुत बड़े सूफी और वली कामिल। मेरे प्यारे आका के पैगवानों, वालिद और वालिदा दोनों निस्बतों से आप जाकर हुजूर से मिलते हैं। इसे कहते हैं हसनी हुसैनी सैयद। अल्लाह ने आपको मां की कोख ही से वली बनाकर पैदा फरमाया, यानी आप वली बाई बर्थ और आप गरीब नवाज भी बाई बर्थ, यानी बचपन में भी आप गरीब परवरी किया करते थे। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, मैं करामात बयान नहीं करता, मैं गरीब नवाज की तालीमात बयान करता हूं। इजाजत है आप? आप जानते हैं माहे रजब में हर जगह गरीब नवाज के नाम पर महफिल सजती है और हर महफिल का नाम टाइटल यही होता है, जश्ने गरीब नवाज, जश्ने गरीब नवाज। मैं कहता हूं हम जश्ने गरीब नवाज सदियों से मना रहे हैं, लेकिन हमने मिशने गरीब नवाज को फरामोश कर रखा है, जबकि जश्न मनाने से ज्यादा जरूरी है मिशन को अपनाना। गरीब नवाज हिंदुस्तान अगर आए थे मदीने से सफर करते हुए तो जश्न मनाने के लिए नहीं आए थे, अपने नबी का दिया हुआ मिशन लेकर आए थे। और मिशन क्या था मेरे प्यारे आका के पैरवानों? गरीब नवाज जो मिशन लेकर आए थे वो मिशन था इस्लाम का, इखलाक का, किरदार का, मामलात का, सच्चाई का, भलाई का, इंसानियत का, भाईचारे का, इंटीग्रेशन का, मानवता का, दुख दर्द तकलीफ को समझने का, एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे के साथ वक्त में जरूरत के वक्त खड़े रहने का, ये मिशन लेकर मेरे गरीब नवाज आए थे। आज हम सुन्नी जश्न में खोकर रह गए हैं और हमने मिशन को फरामोश कर रखा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे आप बताएं, आप में से कितने हजरात हैं जिन्होंने वजू करना अपनी मस्जिद के इमाम के पास बैठकर सीखा? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वजू करना किसी मुबल्लिग साहब से सीखा? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने गुस्ल करना किसी मस्जिद के इमाम से जाकर सीखा? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने नमाज पढ़ना किसी मुबल्लिग के हलके में बैठकर सीखा? आप कहेंगे चाहे बात गुस्ल की हो, चाहे वजू की हो, चाहे नमाज की हो, चाहे रोजे की हो, चाहे कुर्बानी की हो, चाहे ईद बकरा ईद की नमाज की हो, चाहे नमाज जनाजा की हो, हमने इसमें से कोई चीज भी किसी आलिम के पास जाकर नहीं सीखा, किसी मस्जिद के इमाम के पास जाकर नहीं सीखा, किसी मुबल्लिग के पास जाकर नहीं सीखा। हमने ये सारी चीजें
लोगों को करता देखा और देखा देखी सीखा। बताइए सही कह रहा हूं कि नहीं? वजू कैसे सीखा? देखा देखी सीखा। नमाज कैसे सीखी? देखा देखी सीखी। रोजा कैसे सीखा? देखा देखी सीखा। आपने चलिए ये दीन की सारी बातें देखा देखी सीखी। अब आप मुझे बताइए, आप में से जो लोग ऑटो चलाते हैं, ओला उबेर चलाते हैं, जो लोग ड्राइविंग करते हैं, वो मुझे दिल पर हाथ रखकर बताएं, क्या कार चलाना भी देखा देखी सीखा है उन्होंने? हाईवे पे खड़े रहे थे, गाड़ियां आ रही थी जा रही थी, उनको देखा तो कहा मैं भी चलाऊंगा, और फिर अपनी गाड़ी खरीदी और वो भी चलाने लगा हाईवे पर, ऐसा है? आपने टू व्हीलर चलाना सीखा तो किससे सीखा? देखा देखी सीखा है? या तो अब्बा ने सिखाया, या तो भाई ने सिखाया, या तो दोस्त ने सिखाया। कार सीखना, मोटर ड्राइविंग स्कूल में गए, इंस्टीट्यूट में गए, कहीं हाथ साफ किया, किसी उस्ताद के पास गए, तब सीखा। करेक्ट है कि नहीं? आप अगर टेलरिंग का काम करते, दर्जी हैं आप, कपड़े सिलते, देखा देखी सीखा है? या किसी कारखाने में धागा काटते काटते फिर सीखा? बताइए, आपने हेल्पर का काम किया, उसके बाद जाकर यह काम सीखा है ना? अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपने यह सीखा कहां से? हुनर आपने पुल देखे, इमारतें देखी, सड़कें देखी, आपने कहा ऐसा मैं भी बनाऊंगा और इंजीनियर बन गए आप। आपने देखा अस्पताल में जाकर कई मरीजों का इलाज हो रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं, वार्ड का वार्ड भरा पड़ा मरीजों से, आपने कहा मैं भी ऐसा है डॉक्टर बनूंगा, इलाज करूंगा, आप डॉक्टर बन गए। देखा देखी किया आपने? नहीं। मेरे प्यारे आका के परिवारों, आप दुनिया के किसी भी फील्ड में हो, आप जो भी नौकरी काम धंधा करते हो, अगर कंप्यूटर भी चलाते हैं, अगर मोबाइल भी रिपेयर करते हैं, आपने किसी ना किसी उस्ताद से ये सारी चीजें सीखी होंगी। दुनिया के सारे हुनर आप किसी ना किसी दुनिया वाले से सीखते हैं, और जब बात दीन की आती है तो दीन किसी से सीखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि दीन देखा देखी सीखने की कोशिश करते हैं। याद रखें, ये देखा देखी दीन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप जो कुछ कर रहे हैं देखा देखी सीख कर, आप करेक्ट कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप खुद भी जज नहीं कर सकते, और आप किसी और को जज करने देते नहीं है। आपको कैसे पता कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? आपको वजू सही से करना आता है, आप मुतमईन हैं कि आपको आता है, लेकिन आपने किसी को दिखाया कि आप देखो कि सही करता हूं कि नहीं करता? आप गुस्ल करते हैं बंद बाथरूम में, आपको लगता है आप करेक्ट कर रहे हैं, आपने किसी से पूछा है कि गुस्ल का तरीका क्या है, आपने किसी किताब में पढ़ा है कि गुस्ल का तरीका क्या है, आप जुमा की दो रकात पढ़ने के लिए इमाम के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं, और जब सारे हाथ बांधते हैं तो आप भी बांध लेते हैं, सारे रुकू में जाते हैं तो आप भी रुकू में चले जाते हैं। कभी आपने मस्जिद के इमाम से भी ये पूछने की कोशिश की, ये देखा देखी जो मैं जुमा पढ़ रहा हूँ, ये देखा देखी जो मैं ईद की नमाज पढ़ता हूँ, ये देखा देखी जो नमाज़े जनाजा पढ़ता हूँ, अल्लाह की बारगाह में ये मकबूल भी है कि नहीं है? मुझे लगता है मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन ये शरीयत के एतबार से सही है कि नहीं है? आपने कभी इसको समझने की कोशिश की है? क्या बताओ, जो गरीब नवाज दीन हम तक पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान आए थे, उस गरीब नवाज ने भी दीन देखा देखी सीखा था कि मदरसे में जाकर सीखा था? एक बंदा मां की कोख से वली बनकर पैदा हो, फिर भी दीन सीखने के लिए मदरसे में जाए, और हम और आप दुनिया के हुनर हासिल करने के लिए, दुनिया का तजुर्बा लेने के लिए, दुनिया का इल्म हासिल करने के लिए दुनियादारों के पास जाएं, लेकिन जिस इल्म को सीख कर दुनिया और आखिरत संवर जाएगी, हम उस दीन का इल्म सीखने के लिए कोई कोशिश नहीं करते, इल्ला माशाल्लाह। आप जानते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया था, मेरे सहाबियों, आलिम बनना या तो तालिबे इल्म बनना, आलिम बनना या इल्म हासिल करने वाले बनना, या आका फरमाते हैं उलमा की महफिल में बैठने वाले बनना,
उनकी बातें सुनने वाले बनना या फिर उलमा से मोहब्बत करने वाले बनना। नबी ने सहाबा से फरमाया इन चार में से एक बनना, पांचवा मत बनना, वरना तुम हलाक हो जाओगे, तुम तबाह हो जाओगे। और हुजूर किससे कह रहे थे? उनसे कह रहे थे जो सिर्फ तालिबे इल्म नहीं थे, सारे के सारे आलिम थे। मेरे आका ये किससे कह रहे थे? हमारे और आपके जैसे मालूनी के लोगों से नहीं, सिद्दीक अकबर से नबी ये फरमा रहे थे, उमर फारूक आजम से नबी ये फरमा रहे थे, उस्मान गनी और मौला अली से आका ये फरमा रहे थे, अबू हुरैरा सामने मौजूद थे, सलमान फारसी सामने मौजूद थे, हजरत बिलाल सामने मौजूद थे, आका उनसे ये फरमा रहे थे आलिम बनना या तालिब इल्म बनना या उलमा की बातें सुनने वाले बनना या उलमा से मोहब्बत करने वाले बनना, पांचवा मत बनना वरना तुम हलाक हो जाओगे। वो सारे के सारे तो उन चार में से थे, और आज हमारी हलाकत की वजह क्या है? हम उस चार में से निकलकर आज पांचवी कैटेगरी के बन चुके हैं। हमारे पास दुनिया का बहुत नॉलेज है, हमारे पास नॉलेज नहीं है अपने दीन के बारे में, कोई नॉलेज नहीं, और हम अपने दीन को सीखने की कोशिश भी नहीं करते। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, आप जानते हैं एक मर्तबा मेरे गरीब नवाज बैठे हुए जारों कतार रो रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई पूछता कि रोने की वजह क्या। कुछ देर के बाद जब तसल्ली हुई, कुछ इत्मीनान हुआ, तो चंद मुरीदों ने हिम्मत करके पूछा कि हुजूर बात क्या, आप इतना रो रहे थे रोने की वजह क्या। तो गरीब नवाज फरमाते हैं आज से 30 साल पहले की बात है, मैं नमाज पढ़ रहा था और मुझे नमाज में वो मजा नहीं आ रहा था जो हमेशा आता था, वो खुशू और खुजू मैसर नहीं आ रहा था। फरमाते मैंने नमाज मुकम्मल की, उसके बाद बैठकर मैंने गौर किया कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई कि जिसकी वजह से नमाज की लज्जतों से महरूम हो गया। फरमाते बहुत देर गौर किया तो पता चला आज दौराने वजू जल्दबाजी की वजह से मैं उंगलियों में खिलाल करना भूल गया, जल्दबाजी की वजह से उंगलियों में खिलाल करना रह गया मुझसे। अब मैं आपसे पूछता हूं, उंगली में वजू में उंगली में खिलाल करना बताइए फर्ज है, वाजिब है, क्या है? कहेंगे सुन्नत है। क्या है? अगर कोई खिलाल ना करे तो नमाज होगी कि नहीं होगी? जी हो जाएगी। देखिए यही तो नहीं मालूम ना मेरे भाई, जवाब देने से डरता है मुसलमान। जब मुसलमान इसका जवाब देने से डरता है कि उंगली में खिलाल करने से नमाज अगर ना किया तो नमाज होगी कि नहीं, जब मुसलमान को इस सवाल का जवाब नहीं मालूम, उस मुसलमान से कल कोई पूछ बैठे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए मैं साबित करता हूं, और तू सुन्नी है तू कहता है नबी जिंदा है तो तू जिंदा साबित करके बता, साबित कर लोगे? अरे जिसको ये नहीं मालूम कि वजू में खिलाल करना उंगलियों में फर्ज है कि वाजिब है कि सुन्नत, वो ये जवाब देगा भला बताओ? और जब आप ये नहीं जानते हो, मैं आपसे पूछता हूं आप अपनी औलाद को क्या दीन दोगे? आज टिकटॉक पर जो बुर्का पहन पहन कर लड़कियां नाच रही हैं और माँ बाप की औकात नहीं है कि अपनी उन जवान बेटियों को रोक सके, उसकी वजह क्या है? मैं कहता हूं सुन्नियों, हमारे बाप दादा ने जो बोया था आज हम वो काट रहे हैं, और हम जो बो के जा रहे हैं हमारी औलाद का अंजाम क्या होगा अभी से सोच लो। आज अगर लखनऊ में बैठा कोई कुत्ता मेरे नबी पर भौंकता, उसकी औकात थी भौंकने की? सैयदना उमर फारूक आजम का दौर होता तो भौंकते ऐसे कुत्ते? उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत था, एक बाप ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा था, मोहम्मद, और वो बेटा बड़ा होकर बदमाश निकल गया, इसको टपली मारता, उसकी चीजें छीनता, इसका माल उठा लेता। एक ने शिकायत की, दो ने शिकायत की, तीन ने शिकायत की, उमर फारूक आजम ने उस लड़के को बुलाया, और लड़के को बुलाने के बाद गुस्से में आपने फरमाया या तो नाम बदल ले या तो तू सुधर जा वरना उमर का कोड़ा तेरा फैसला करेगा।
या तो नाम बदल ले या तो सुधर जा, वरना उमर तेरा फैसला करेगा कोड़े से। क्या उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत होता तो आज लखनऊ में बैठे कुत्ते कुरान भौंकते कि 26 आयात को निकाल दो। मायशा सिद्दीका पर भौंकने की किसी की औकात थी? सिद्दीक अकबर को गालियां देने की किसी की जरूरत होती? आज है मुसलमानों, हम जैसे लोग पैदा हो गए हैं जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, अमल के मैदान में जीरो हैं। अरे हम बिस्तर पर सुबह के दोपहर के 12 बजे तक पैर पसारे सोते हैं और अल्लाह का मुनादी अल्लाह के घर से आवाज देता है, हमारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। फिर बताओ हमारा मुकद्दर कैसे संवरेगा, हमारा नसीब कैसे बदलेगा, हमारी आने वाली नस्लें कैसे सुधरेंगी? अगर आप गरीब नवाज से प्यार करते हो, आज ये तय करके उठना, हमें आज के बाद सिर्फ जश्न गरीब नवाज नहीं मनाना है, हमें अपनी जिंदगियों में मिशन गरीब नवाज को अपनाना है। जश्न में खो के रह गए वो मिशन को भूल गए, डेगे पक रही हैं, लोग खा रहे हैं गरीब नवाज के नाम का खा रहे हैं। गरीब नवाज डेगों के लिए इंडिया आए थे, गरीब नवाज जलसों के लिए हिंदुस्तान आए थे, गरीब नवाज इसलिए आए थे कि मेरे नाम पे ट्रेन चलाई जाए, मेरे नाम पर एक मजार बनाई जाए, मेरा गुंबद हो, मीनार हो, उर्स हो, लोग जमा हो, इसलिए आए थे। ये मिशन नहीं था। ऐ सरकार मदीना के प्यार दीवानों, अरे गरीब नवाज वही मिशन लेकर आए थे जिस मिशन को लेकर मैदान बदर में इमामुल अंबिया उतरे थे, जिस मिशन को लेकर मैदान उहद में इमामुल अंबिया उतरे थे। अरे ये वही मिशन था जिसको लेकर करबला के मैदान में इमाम हुसैन आए थे, ये वही मिशन था जब यहूद नसारा के दरमियान गौस पाक खड़े हुए थे, और उसी मिशन को लेकर आका के हुक्म पर गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए। एक वक्त की नमाज ना पढ़ो और गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले कहलाओ, चरस चिलम गांजों के दम मारो और गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले कहलाओ, घर में पड़े बूढ़े माँ बाप की इज्जत ना करो और गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। मैं अजमेर शरीफ जाकर देखता हूं आने वाले लाखों, सिर्फ बॉम्बे नहीं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यूपी, पता नहीं कहां कहां से किन हालात में बेचारे पहुंचते, किन हालात में। और वहां पहुंचने के बाद गरीब नवाज की बारगाह में फातिहा भी, चादर भी, लंगर भी, नियाज भी, मार्केट में जाकर शॉपिंग भी, लेकिन अजमेर शरीफ में 5 दिन रुकेगा और एक दिन एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ेगा। अल्लाह कबूल फरमाएगा, गरीब नवाज राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे आका के प्यार दीवानों, गरीब नवाज क्या बेनमाजियों से खुश होंगे, माँ बाप के बागियों से खुश होंगे? आज हमारा हाल क्या? इसलिए हमें चाहिए कि हम मिशन गरीब नवाज को अपनाने की कोशिश करें कि इंशाल्लाह। गरीब नवाज फरमाते हैं 30 साल पहले की बात, उंगलियों में खिलाल करना भूल गया था, अब जैसे ही याद आया कि हुजूर की सुन्नत छूट गई, फौरन दिल से आवाज आई, ऐ मोइनुद्दीन अगर कयामत के दिन तेरे नाना ने तेरा गिरेबान पकड़ लिया कि मुनुद्दीन मैंने तुझे हिंदुस्तान भेजा था मेरे दीन की तबलीग के लिए, मेरी शरीयत को आम करने के लिए, मेरा कुरान लोगों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन वहां पहुंचकर तूने खुद मेरी सुन्नत को छोड़ दिया, तो मैं कयामत में नबी की बारगाह में क्या मुंह दिखलाऊंगा? गरीब नवाज फरमाते हैं 30 साल पहले ये इंसिडेंट हुआ था, लेकिन जब भी मुझे वो वाकया याद आता है मैं रोने लगता हूँ, ये सोच करके काश मेरे नबी को मेरे हाल पर रहम आ जाए और मेरे आका कयामत में मेरी पकड़ न करे। एक सुन्नत गलती से रह जाए तो मेरा गरीब नवाज 30 साल तक रोता बिलखता नजर आए कि आका माफ कर दे, आका माफ कर दे। और यहां एक सुन्नत नहीं, गरीब नवाज के नाम लेवा लोगों ने पूरी की पूरी शरीयत को पीछे उठाकर फेंक दिया है पीठ के। बताइए गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? आपसे पूछता हूं, ये लॉकडाउन के 2 साल जो हमें मिले,
ये COVID-19 का जो वक्त था, दो साल लॉकडाउन के जो मिले, आपने इन दो सालों में अपने ऊपर कितनी मेहनत की आप बताइए, कितनी मेहनत की है आपने। और ये मैं मेहनत दुनियावी एतबार से नहीं, आखिरत के एतबार से पूछ रहा हूं। आपने कुरान पढ़ना नहीं आया था, क्या सीख नहीं सकते थे? कुरान पढ़ना नहीं आता, क्या इन खाली वक्त में आप कुरान पढ़ना नहीं सीख सकते थे? आपने कोई दीनी किताब पढ़ी इस खाली वक्त में? आपने कोई दीनी मसला सीखा इस खाली वक्त में? आपने कोई एक्स्ट्रा सजदे कर लिए इस खाली वक्त में? आप तहज्जुद गुजार बन गए इस खाली वक्त में? आपने कोई नया स्किल डेवलप किया, कोई नई इबादत की, कोई नया वजीफा पढ़ा, कोई नया अमल किया? क्या किया आपने? ये पूरा का पूरा वक्त पबजी खेलने में गया, ये पूरा का पूरा वक्त यूट्यूब और टिकटॉक के चक्कर में बर्बाद हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, मेरे प्यारे आका के परिजवानों, आज हम जिंदा हैं, कल जिंदगी मोहलत देगी आप जानते हैं? गरीब नवाज, गरीब नवाज ने अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का सही इस्तेमाल किया। आपकी टोटल उम्र कितनी है जानते हैं? 97 साल। कितनी है? 97 ईयर्स। गरीब नवाज की टोटल एज 97 साल। और 97 साल में मेरे गरीब नवाज ने तकरीबन 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है। ये कलमा कैसे पढ़ाया? तलवार के जोर पर? नौकरी दिलाने का झांसा दिया? किसी को पैसे दिए? शादी ब्याह करवा दिया? ग्रीन कार्ड दिलवा दिया? किसी कंट्री की सिटीजनशिप दिलवा दी? क्या दिया गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाने के लिए? कुछ नहीं। गरीब नवाज ने दुनिया की मालो मता की लालच नहीं दी किसी को। गरीब नवाज ने लोगों को अगर कलमा पढ़ाया है, अपने अखलाक और किरदार के जोर पर कलमा पढ़ाया है। आप देखें, जोगी जयपाल आया था, वो तो एजेंट था पृथ्वीराज चौहान का, उसके महल का जादूगर था, तनख्वाह उससे लेता था, नौकरी उसकी करता था, आया था उसी के हुक्म पर मुकाबला करने गरीब नवाज का। गरीब नवाज ने क्या किया? तमाचा नहीं मारा था, पत्थर नहीं मारा था, लाठी नहीं उठाया था। गरीब नवाज तो जमीन पर बैठे रहे। आपने अपने इखलास का मुजाहरा किया है। वो जो पृथ्वीराज चौहान का बनकर आया था, गया तो गरीब नवाज का बनकर गया। आज हमारे अंदर वो इखलास है? आज तो जवान बेटों की अपने बाप से नहीं बनती। आज तो जो शौहर खिलाता पिलाता है, बीवी उसी की बात नहीं मानती। जो मालिक तनख्वाह देता है, नौकर उसी मालिक की बात नहीं मानता है। बताइए, ये हाल है कि नहीं है? बताइए। अच्छा, कहीं कहीं हमसे लोग आकर कहते हैं, हजरत क्या करें, तंग आ चुके हैं, हमारी औलाद हमारी बात ही नहीं मानती। तवज्जो है ना आपकी। मैं करामत बयान नहीं करता। अभी मैं कहूं ना, आना सागर को भर लिया था आपने, खड़ाओं को हवा में उड़ा दिया था, बड़ा मजा आएगा सुनने में, लोग लुत्फ अंदोज होंगे, नारे भी लगाएंगे, लेकिन जाने के बाद फजर में उठेंगे, करामतें सुनकर ईमान तो ताजा होता है, अमली जज्बा पैदा नहीं होता है। करामात को सुनकर ईमान ताजा होता है, लेकिन अमली जज्बा पैदा नहीं होता। और सुन्नी दावत इस्लामी वाले सिर्फ करामात बयान कर गुजरने वाले नहीं हैं, वो तो आपकी इस्लाह करने के लिए आए हैं, वो तो आपको अमल के रास्ते की दावत देते हैं, वो तो आपको अल्लाह रसूल के फरमान की तरफ बुलाते हैं। अरे वो सिर्फ आपको कानों का चस्का देने नहीं आए हैं, आपको सुन्नी दावत इस्लामी वाले जहन्नम के आग से बचाने के लिए आते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो मैं अर्ज कर रहा था, गरीब नवाज के पास कोई आया, आपने अपने अखलाक को किरदार से उसको अपना बनाया है, अपने अखलाक को किरदार से। और तारीख मशहूर है, शहाबुद्दीन गौरी ने, यह हिस्ट्री सुन लो, शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान पर कई बार हमला किया था, और जब भी उसने हमला किया शिकस्त खाया, हार गया, हार कर वापस जा रहा था, और वहां मदीने से गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे, सरहद पर मुलाकात हुई,
शहाबुद्दीन गौरी के फौजियों की गरीब नवाज, उन्होंने देखा दाढ़ी वाला, टोपी वाला, नूरानी चेहरे वाला कोई सूफी मालूम देता है। शहाबुद्दीन गौरी के फौजियों ने रोका, कहा बाबा कहां जा रहे हो? आपने फरमाया हिंदुस्तान। उन लोगों ने कहा अभी ना जाएं आप, हम गए थे वहां से हार कर जा रहे हैं वापस। हिंदुस्तान का हिंदू इस वक्त बहुत चिढ़ा हुआ है हम पर, अगर आप जाएंगे ऐसे में हो सकता है हमारा बदला वो आपसे ले, इसलिए आप अभी ना जाएं, वापस हमारे साथ चलें। हम बहुत जल्द एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर दोबारा हमला करेंगे, उस वक्त आप हमारे साथ हिंदुस्तान आइएगा। तो जानते हो गरीब नवाज ने क्या फरमाया था? गरीब नवाज ने फरमाया था, ऐ शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर वालों सुनो, तुम हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए हाथ में लोहे की तलवार लेकर गए थे, मोइनुद्दीन अपने साथ लोहे की तलवार लेकर नहीं जा रहा है, अपने नबी का दिया हुआ किरदार लेकर जा रहा है। और ये नबी का दिया किरदार ही तो था, नबी का दिया इखलाक ही तो था कि गरीब नवाज जिस रास्ते से गुजरते थे, अरे दुश्मन भी आगे बढ़कर गरीब नवाज का पढ़ाया कलमा पढ़ लेते थे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज लोग कहते हैं हमारा बेटा नहीं मानता, बेटी नहीं मानती, बीवी नहीं मानती, शागिर्द नहीं मानता, मुरीद नहीं मानता, नौकर नहीं मानता। हम कहते दुनिया तेरी नहीं मानती है, इस बात का रोना तू रोता है, लोग तेरी ना माने तो तुझे तकलीफ होती है। ऐ आदमी पहले तू बता, तू चाहता है सारे तेरी माने, तू बता तू क्या अल्लाह रसूल की मानता है? जब तू अल्लाह की नहीं मानता, रसूलुल्लाह की नहीं मानता, तो तेरी औलाद भी तेरी मानने वाली नहीं है। इसी हिंदुस्तान में देख ले, जो अल्लाह की मानता है, रसूलुल्लाह की मानता है, उसकी तो पृथ्वीराज चौहान के ऊंट भी मानते हैं, उसकी तो अना सागर का पानी भी मानता है, अरे उसकी तो उसके गुलाम नहीं, मुरीद नहीं, उसकी खड़ाऊं भी उसकी बात मानती। जो अल्लाह रसूल की माने उसकी कोई क्यों ना माने, और जो अल्लाह रसूल ही की ना माने उसकी भला कोई क्यों माने। गरीब नवाज मानते हैं तो अना सागर का पानी भी मानता है, और कैसे मानता जानते हो? आपने ये सुना होगा, कूजे में अना सागर आ गया, अना सागर आ गया, सुना है ना? थोड़ा सा और आगे बढ़कर मैं बताऊंगा आपको। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बैठना चाह तो बैठने नहीं दिया गया, आप पेड़ के नीचे बैठे थे, पृथ्वीराज चौहान के महल में तो नहीं बैठे थे, आप किसी और के घर में तो कब्जा करने नहीं गए थे, पेड़ के नीचे। अब पेड़ लगा है रास्ते में, कोई भी बैठ सकता, लेकिन वहां से उठा दिया गया। आपने झगड़े किए, लड़ाई की, आज जरा हमको कोई उठाकर बताए, हमने यही सीखा गरीब नवाज, आज हमको कोई उठाकर बताए। अरे हमने तो देखा लोग मस्जिद में लड़ जाते, अगर कोई रुमाल रखकर गया वजू करने आया तो कोई और बैठ गया तो मस्जिद का एहतराम भी नहीं है, वहीं मस्जिद में लड़ बैठते। गलत तो नहीं कह रहा मेरे भाई, ये हाल हमारा और आपका, ये बद अखलाकी आज के मुसलमान की, और वो अखलाक मेरे गरीब नवाज का। गरीब नवाज को उठाया गया, उठ गए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अना सागर पर वजू के लिए गए, रोका गया, रुक गए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, यहां तक कि मस्जिद बना रहे थे, जब मुरीद बढ़ गए, मुसलमान बढ़ गए, मस्जिद तामीर कर रहे थे, उस पर भी पहरे लगा दिए गए, कोई बात नहीं, वो भी मान गए। गरीब नवाज मानते जा रहे, मानते जा रहे, मानते जा रहे, तो क्या हो रहा है? नतीजा, नतीजा हो रहा है, फिर जो गरीब नवाज कह रहे वो लोग मान रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं, वो जो कहते हैं ना, हिंदुस्तान के मुसलमानों को मारना है, खत्म करना है, भगाना है, हिंदुस्तान से मुसलमानों का खात्मा करके इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम कहते हैं हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाने का या मिटाने का ख्वाब देखने वालों, अरे तुम ख्वाब ख्याल गफलत में हो, भूल जाओ। अरे गरीब नवाज ने जिन ऊंटों को बिठाया था, पृथ्वीराज चौहान के फौजी ना उठा सके, अरे उनके बिठायों को जब कोई उठा ना सका, उनके बसायों को कोई भगा क्या सकेगा? हमें किसी और ने बसाया होता तो मिटा देते, हमें बसाया है तो सुल्तानुल हिंद ने बसाया है।
इसीलिए हम कहते हैं मेरे प्यारे आका के पहलवानों, आप देखेंगे तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हो गई हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये चादर भेजा है गरीब नवाज की बारगाह में। अरे वो जो कलमा पढ़ने वालों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, अगर वो भी हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनका भी मामला ये है कि वो भी गरीब नवाज की बारगाह में उससे पाक के मौके पर चादर भेजते हैं। अरे जो मुसलमानों को पसंद भी नहीं करता वो भी बारगाह गरीब नवाज में चादर बेचता है। आखिर वजह क्या है? वो जानता है मैं तो टेंपरेरी कुर्सी पर बैठा हूं, हकीकत में तो परमानेंट हिंद के राजा सुल्तानुल हिंद ही है। और वो जानता है मैं तो इलेक्शन से आया हूं, ये तो सिलेक्शन से आए। इलेक्शन में जीत हार होती है, सिलेक्शन में जीत हार नहीं होती है। एक बार जो सेलेक्ट हो गया वो सेलेक्ट हो गया है। और उस कुर्सी पर बैठने वाला भी जानता है चादर चढ़ाकर इनसे बना कर रखो, ये राजी रहेंगे तो कुर्सी बची रहेगी, और इनकी नजर उठ गई तो कुर्सी भी पलट जाएगी, कुर्सी भी पलट जाएगी। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, क्या हमारे अंदर वो सीरत है, वो इखलाक है, वो किरदार और मामलात है? गरीब नवाज पहरे लगा दिए गए, पानी नहीं ले सकते अना सागर से। आपने मुरीद को भेजा अपना कूजा लेकर, आपने कहा किसी और से ना मांगना, अना सागर के पानी से कहना। मांगना भी नहीं है, अना सागर के पानी से कहना तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। फरमाया गया मुरीद ने जाकर किनारे खड़े होकर कहा तुझे मेरे पीरो मुर्शिद बुला रहे हैं। इतना सुनना था अना सागर का सारा पानी गरीब नवाज के कूजे में आ गया है। और लिखने वाले यहाँ तक लिखते हैं अना सागर ही का पानी नहीं आया है, उस वक्त पूरे राजस्थान में जिन जिन लोगों ने अपने घरों के बर्तनों में अना सागर का पानी भर रखा था उनके बर्तनों के पानी का एक कतरा भी कूजे में आकर गरीब नवाज के समा गया है। मैं कहता हूं पानी की बूंदे भी मांगती हैं उनकी, और यहां तुम्हारे बेटे भी नहीं मांगते हैं तुम्हारी। वजह क्या है? जो अल्लाह रसूल की माने उसकी दुनिया माने, और जो अल्लाह रसूल की ना माने उसकी औलाद भी उसकी ना माने। तो हमें अपने आप को बदलना है कि इंशाल्लाह, अपने ऊपर मेहनत करना है कि इंशाल्लाह, तालीमात गरीब नवाज को अपनाना है कि इंशाल्लाह। अब दो बातें अर्ज करूंगा मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों। जब हुजूर गौसे आजम ने बगदाद की जामा मस्जिद में जुमा के खुतबे के वक्त मिंबर पर खड़े होकर ऐलान किया मेरा कदम ये तमाम वलियों की गर्दन पर, जब गौसे आजम ने यह ऐलान, आपके सामने जो मौजूद थे बगदाद की जामा मस्जिद में, वो सोचते रहे कि हम क्या करें, लबैक करें, एतराज करें, सवाल करें, वो सोच रहे थे। और किताबों में आता है गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ियों पर मौजूद थे, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ थे। आपने जैसे ही ये ऐलान सुना, गूगल मैप पर आप सर्च कर लेना बगदाद किस कोने में है, खुरासान किस कोने में है, गरीब नवाज वहां बैठे हैं पहाड़ की चोटी पर। आपने जैसे ही ये ऐलान सुना है फौरन अपने सर को जमीन पर रख दिया और बेसाख्ता पुकार उठे, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी आपका कदम सबकी गर्दन पर होगा, मैं मोइनुद्दीन आपके कदमों को अपने दिल पर लेता हूं, अपने जिगर पर लेता हूं, अपने सर पर लेता हूं। अब जब गरीब नवाज ने यह ऐलान किया तो गौस पाक ने दूसरा ऐलान फरमाया, आप फरमाते हैं लोगों अरे तुम तो सोचते रह गए, गयासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन तुम सब ने सबकत ले गया, मैंने उसको हिंद का राजा बना दिया। तो जिसे गौस पाक हिंद का राजा बनाए उसकी हुकूमत को कोई हिला नहीं सकता, और गौस पाक जिसे हिंद में बसाए किसी के माई का लाल भी उसको भगा नहीं सकता। तो मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, ये गरीब नवाज की सीरत। अब दूसरा पहलू में बताऊं, गरीब नवाज अपने पीर से मुरीद हुए तो मुरीद बनते ही आपके पीर ने आपको खिलाफत भी अता फरमा दिया है।
और खिलाफत के साथ, खिलाफत के साथ आपके पीर और मुर्शिद ने सिलसिले चिश्तिया के बहुत से बुजुर्गों के तबर्रुकात भी आपके हवाले कर दिए। यानी आपके पीर और मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी देख रहे थे कि ये अगरचे अभी दाखिल हुआ है सिलसिले चिश्तिया में, लेकिन सिलसिले चिश्तिया की सबसे ज्यादा खिदमत यही करने वाला। आज हिंदुस्तान में जितने सिलसिले हैं ना, तवज्जो से सुने आप, हिंदुस्तान में जितने सलासिल हैं उन सब की बुनियाद सिलसिले चिश्तिया ही है। सबकी असल जड़ वही है, वहीं से सारे निकले। और एशिया के अक्सर मुल्कों में जो कलमा पढ़ने वाले हैं उन्हें कलमा सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों ने ही पढ़ाया है। तो हम सब पर एहसान है मेरे गरीब नवाज का। पीर और मुर्शिद ने कहा, मोइनुद्दीन हमने तुम्हें खिलाफत दे दी, जाओ लोगों को दीन की दावत दो, जाओ अल्लाह के मखलूक की खिदमत करो, आपने इजाजत दे दी। गरीब नवाज ने क्या अर्ज किया जानते हो? गरीब नवाज फरमा अर्ज करते हैं कि पीर और मुर्शिद अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी मेरा काम शुरू हुआ है, अभी मुझे आपके साथ रहकर आपकी खिदमत करना है। यानी बुजुर्गों की सोहबत में रहकर तरबियत हासिल करना। आपने अपने पीर और मुर्शिद की 20 साल तक खिदमत की है। कितने साल तक? 20 साल। कैसे खिदमत जानते हो? जैसे हम अपने पीरों की करते ऐसे नहीं कि हजरत कभी बंबई आ गए तो हम भी चले गए मिलने के लिए, और चले गए मिलने के लिए तो मुसाफे में हमने 200-400-500 दे दिया, बड़ी खिदमत कर ली हमने पीर की। ये नहीं, कैसी खिदमत की? आप पीर और मुर्शिद के साथ हर वक्त लगे रहते थे। आपके पीर सफर करते, आप अपने पीर का बिस्तर, पीर के कपड़े अपने सर पर रख कर चलते थे पीर के पीछे पीछे। जब पीर और मुर्शिद कहीं रुक जाते, नमाज के लिए वजू करना चाहते तो फौरन गरीब नवाज पानी गर्म करते और अपने पीर को गर्म पानी वजू के लिए देते। अगर पीर पीने के लिए पानी मांगते तो फौरन आप ठंडा पानी तलाश करके पीर के लिए लाते। आपके पीर और मुर्शिद कहते, मोइनुद्दीन इतना परेशान क्यों होते हो? अरे ठंडा पानी भी दे दो तो मैं वजू कर लूं, गर्म पानी भी दे दो तो मैं पी लूं, कोई मसला नहीं है। आप फरमाते, हुजूर आपके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती है कि मैं अपने पीर की खिदमत ना करूं। इसलिए वजू करेंगे तो गर्म पानी से और पिएंगे तो ठंडा पानी पिएंगे। और पीर जब अपनी जूतियां उतारते थे, गरीब नवाज उसको झाड़कर अपनी बगल में उठा लेते थे। ऐसे 20 साल तक अपने पीर की खिदमत की है। आप 20 साल तक अपने पीर के साथ थे लेकिन कभी बराबरी में नहीं चले। आगे बढ़ना तो दूर की बात है, जबकि खलीफा भी थे, मुरीद भी थे, इजाजत भी थी। आप चाहते तो कहीं और दुकान खोलकर बैठ जाते, अपना मुरीद बनाते, लोगों से नजराने उसूल करते, झाड़ फूक दुआ तावीज़ के धंधे करते, लेकिन गरीब नवाज तरबियत हासिल कर रहे थे 20 साल तक अपने पीर से। और यही वजह तो है, जब बेरिया 20 साल तक पीर की खिदमत की, पीर लेकर पहुंचे खाने काबा के सामने और हाथ उठाकर अपने मुरीद का कहा, ऐ अल्लाह मैं मोइनुद्दीन से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा, तो खाने काबा के कोने से आवाज आती है, ऐ उस्मान हारूनी हमने तेरे मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। अरे वो 20 साल सेवा करके अपने पीर को राजी करें, और यहां 20 साल का जवान बेटा बूढ़े मां बाप को पानी पिलाने के लायक नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? कभी मांग कर देखे तो मां, कभी मांग कर देखे तो बाप। आज तो हमारे यहां ऐसे ऐसे नौजवान हैं कि जिनकी बड़ी बड़ी आंखों से उनके मां बाप डरते, जिनकी झिड़की और डांट से तो मां बाप डरते। अरे बेटियां धमकाने लगी हैं मां बाप को आज के दौर में, बताइए गलत तो नहीं कह रहे?
जब रात को 3 बजे लेटी लेटे बिस्तर पर व्हाट्सएप पर चैटिंग करती रहती है और बूढ़ी माँ कहती है 3 बज गए सोई नहीं, तो बेटी डांट कर कहती है मैं चाहे रात भर सोऊं चाहे रात भर जागूं तुमको क्या करना है, तुम जाओ सो मेरे पीछे मत लगे रहा करो। अगर बाप अपनी जवान बेटी को डांट दे सुबह कॉलेज नहीं जाना है, रात के 3 बज गए अभी भी व्हाट्सएप पर लगी हुई है, किससे बात करती है इतनी रात को, तो अपनी तो बेटी अपने बाप को डांट कर कहती है तुम लोग तो पता नहीं मेरे क्यों पीछे लगे रहते हो, अरे सुबह कॉलेज जाऊं ना जाऊं मेरी मर्जी है, तुम क्यों जागते हो तुम तो सो जाओ। और फिर जिससे चैटिंग कर रही होती है उसको मैसेज करती है मेरा बाप पागल हो गया है, मेरी माँ तो मेरी दुश्मन बन गई, अब तो मैं इस घर में रहना नहीं चाहती हूं, इन दोनों ने मेरी जिंदगी खराब करके रख दिया है। गलत तो नहीं कह रहा मैं, बताई ये आज की औलाद का हाल, वो पीर की खिदमत करे तो पीर की खिदमत पर मौला राजी हो जाए, और हम अपने माँ बाप की खिदमत ना कर सके। सुनो, आपके मालोनी में भी बहुत से पीर आते होंगे और बहुत से रस्मी मुरीद भी पीरों की खिदमत में पहुंच जाते होंगे, बुरा मत मानना, आज अक्सरियत ऐसे पीरों की है, मैं सबको इसी कैटेगरी में लाकर नहीं खड़ा करता, लेकिन हाँ ये कहना चाहूंगा आज अक्सरियत ऐसे पीरों की है जो पीर अपने मुरीदों की आखिरत पर नजर नहीं रखता, उसकी दुनिया पर नजर रखता है, उसके धंधे पर नजर रखता है, उसकी जेब पर नजर रखता है, उसके माल पर नजर रखता है, उसके मोबाइल पर नजर रखता है, अपने मुरीदों की जेबें काटना चाहता है, और मुरीद भी ऐसे पीर की खिदमत कर करके उसको खुश करके ये समझता है इसकी रजा पर मुझको जन्नत मिल जाएगी। ऐसे रस्मी मुरीदों से और ऐसे मक्कार पीरों से मैं ये कहना चाहता हूं, एक नौजवान अगर घर में 65 साल की बूढ़ी माँ मौजूद है और उस बूढ़ी माँ को एक गिलास पानी नहीं पिलाता, अपनी बूढ़ी माँ के कभी हाथ पैर नहीं दबाता, अपनी बूढ़ी माँ के साथ कभी दस्तरखान पर बैठकर दो लुकमा खाना नहीं खाता और अपने पीर के सामने एक तू कुत्ते की तरह दुम हिलाते हिलाते घूमता है, तो याद रखना पीर की जिंदगी पर तू नौकरी कर ले, अगर तेरी माँ तुझसे राजी नहीं है तो पीर की खिदमत तुझको जन्नत में नहीं ले जाएगी, बल्कि माँ का दिल दुखाना तुझे जहन्नम की आग तक ले जाएगा। आज मखदूमे माइमी की बारगाह में लोग जाते चादर चढ़ा रहे उर्स मना रहे मन्नते मांग रहे, मैं कहता हूं जालिमो घर में बूढ़े माँ बाप मौजूद हैं, उनकी तरफ कभी नजर उठाकर देखता नहीं है, अपनी बीवी को तो 10 बार आवाज देता है और बूढ़ी माँ के कान तरस गए कि एक बार मुझे भी काश मेरा बेटा अम्मी कह के बुला दे, एक बार अम्मी कह के बुला दे। माएं इंतजार करती हैं औलाद कभी तो मोहब्बत से मेरी तरफ भी नजर उठाए, और औलाद माँ बाप की तरफ नजर नहीं उठाती है, और मखदूमे माइमी की बारगाह में पहुंच कर लगता है बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, बड़ा नेकोकार है। मैं कहता हूं मखदूमे माहिमी की बारगाह में चादरें चढ़ाने वाले मखदूमे माहिमी की जिंदगी तो देख ले कम से कम, मखदूमे माहिमी अगर कुतबे कोकन बने हैं तो रात के जागने से नहीं बने, तकवे से नहीं बने, तहज्जुद से नहीं बने, तिलावत से नहीं बने, इबादत से नहीं बने, अरे माँ की खिदमत ही तो थी जिसने आपको कुतबे कोकन बना दिया। वो 6-7 साल का बच्चा माँ की ऐसी खिदमत किया कि अल्लाह ने फिर उस बच्चे को बच्चा नहीं रखा, अल्लाह ने उसको अपना महबूब बना लिया। और आज जवान बेटे बेटियों से माँ बाप की खिदमत नहीं होती, और माँ बाप कभी कह भी दे, कई बूढ़े बाप बेचारे शिकायत करते हैं अपने बेटे से, कहता है कि शाम होती है 3-4 दिन से तो मुझे बुखार आ जाता है, बेटा आज जरा जल्दी आ जाना काम पर से डॉक्टर के पास चलेंगे, तो बेटा कहता है मेरे साथ चलोगे तभी आराम मिलेगा क्या, मेरे साथ चलोगे तभी डॉक्टर देखेगा क्या, मेरे साथ चलोगे तभी जाकर बुखार भागेगा, मेरे पास फालतू काम के लिए टाइम नहीं है, शाम को आऊंगा तो दोस्तों के पास जाना, शाम को आऊंगा तो फला जगह दावत, शाम को आऊंगा तो दोस्तों के साथ ढाबे पे जाना, माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, तो तालीमात गरीब नवाज को अपनाने की कोशिश करें कि इंशाल्लाह, गरीब नवाज दाढ़ी मुंडे का नाम नहीं, गरीब नवाज बेनमाजी का नाम नहीं,
गरीब नवाज माँ बाप के बागी का नाम नहीं है। गरीब नवाज किसी झूठे मक्कार और फरेबी का नाम नहीं है। गरीब नवाज मुआशरे के नासूर का नाम नहीं है। गरीब नवाज चरसी गंजेड़ी और शराबी का नाम नहीं है। अगर आपके अंदर ये सारी बुराइयां हैं तो याद रखना ये वो सारी चीजें हैं जिससे अल्लाह रसूल ने मना फरमाया है। ये सारी चीजें अपना कर आप क्या गरीब नवाज के प्यारे बन सकते हो? अगर गरीब नवाज से प्यार है अपने आप को गरीब नवाज की सीरत के सांचे में डाल दो, गरीब नवाज भी आपसे मोहब्बत करेंगे और जब गरीब नवाज मोहब्बत करेंगे अल्लाह रसूल भी आपको अपना महबूब बना लेंगे। अल्लाह अपने हबीबे पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियान कि चूंकि आपकी इस गली में पहली बार मेरा प्रोग्राम होगा, आप में से बहुत से लोगों ने पहले मुझे कहीं ना कहीं सुना होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे। अगर मजीद मेरे बयान सुनना चाहते हैं, चूंकि मैं इसी तरह की गुफ्तगू करता हूँ, इस्लाही, जज्बाती नहीं, करामाती नहीं, इस्लाही, अगर मजीद मेरे बयान सुनना चाहते हैं इस्लाही गुफ्तगू, तो आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है SDI चैनल। यह हमारा ऑफिशियल चैनल है, SDI सुन्नी दावत इस्लामी का शॉर्ट फॉर्म। आप इस चैनल पर विजिट करें, इसको सब्सक्राइब करें और आइंदा हमारे बयानात आपको मिले उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही सुभान अल्लाह लिखें, अल्हम्दुलिल्लाह लिखें, माशाल्लाह लिखें, यानी कमेंट करें कि इंशाल्लाह। देखिए हमारे सब्सक्राइबर लाखों में, देखने वाले हजारों में होते हैं और कमेंट करने वाले सैकड़ों तक नहीं पहुंचते। लोग देखकर चले जाते, कमेंट नहीं करते। मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप कम से कम सुभान अल्लाह लिख ही दिया करें। अच्छा सुभान अल्लाह लिखने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड। लेकिन फायदा क्या होगा जानते हैं? हम भी वो कमेंट पढ़ते हैं। अगर आपने किसी बयान के नीचे कमेंट लिखा, अब मैं कमेंट पढ़ रहा हूं तो आपकी लिखी सुभान अल्लाह भी पढ़ूंगा, और जब आपकी लिखी सुभान अल्लाह मैं पढ़ूंगा तो अल्लाह आपको भी सवाब देगा कि नहीं? आपने ना लिखा होता तो मैं पढ़ता, तो आपने लिखा वो सवाब तो आपको मिल ही गया। अब मैंने पढ़ा तो उस पर भी आपको सवाब, 2 साल के बाद किसी और ने पढ़ा तो उस पर भी आपको सवाब, 20 साल के बाद आपका इंतकाल हो गया, आप कब्र में चले गए, फिर भी वो आपका कमेंट कोई पढ़ रहा है तो उस पर कब्र में भी अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। तो ये वो नेकियों का सिलसिला है जो बाद मरने के भी जारी रहेगा। इसलिए पूरा बयान सुनते हैं 70 मिनट का, तो कम से कम 20 सेकंड निकाल कर सुभान अल्लाह भी 2 बार लिख दिया करें कि इंशाल्लाह। मेरी तारीफ मत लिखो, बहुत अच्छा बयान था मत लिखो, ये बात बड़ी अच्छी लिखी मत लिखो, सुभान अल्लाह लिख दो, माशाल्लाह लिख दो, ज्यादा कुछ लिखना चाहते हो तो दुरूद शरीफ लिख दो, ऐसी बातें लिखो। इसी के साथ इसको शेयर भी करो। अब हम ये जो कहते हैं इसके लिए क्यों कहते हैं जानते हैं? इसलिए नहीं कि हमारे मिलियंस में व्यूअर्स होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, हमको ट्रॉफी और अवार्ड मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो चैनल है जिस पर तो ऐड भी नहीं आता है, हमको कोई उससे दुनियावी मुनाफा नहीं है। हम इसको बार बार इसलिए कहते हैं कि मेरे भाई YouTube पर लाखों ऐसे चैनल हैं जो खुद माल बना रहे हैं और आपको जहन्नम मिले जा रहे हैं, और आप ऐसे चैनल बहुत पसंद करते हैं, ऐसे चैनल लोग जल्दी सब्सक्राइब करते हैं। ऐसे में हमारा जो चैनल है, ये दीनी चैनल जो है, आपको जहन्नम से बचाना चाहता है, इसीलिए हम दावत देते तो करेंगे इंशाल्लाह सब्सक्राइब। इसी के साथ जाने लगे तो पीछे हमारा मकतब है, मकतबे तैबा से मुस्लिम के 6 हुकूक, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हक, वो क्या क्या है आप पढ़ें इसको, और अगर वो अदा नहीं करेंगे तो क्या अजाब होगा ये भी समझ लें, और अदा करेंगे तो क्या सवाब होगा ये भी पढ़ लें। जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वरना पता ही नहीं कि एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का हक क्या है। हमारे यहाँ शादियां तो हो जाती हैं लेकिन शौहर को पता ही नहीं होता कि उस पर बीवी का हक क्या है, इसलिए वो मारना शुरू कर देता है, गाली देना शुरू कर देता है। अगर उसको तरबियत दी जाए कि उस पर हक क्या है तो मारपीट नहीं करेगा, बीवी से मोहब्बत करेगा। तो मुस्लिम के 6 हुकूक ये किताब मकतब से हासिल करें। इसी तरह हुजूर की इज्दवाजी जिंदगी और शादीशुदा जोड़ों को नसीहतें, मेरे आका की शादीशुदा जिंदगी कैसी थी और शादीशुदा जोड़ों के लिए हुजूर ने क्या फरमाया,
शादियों में देने के लिए बेहतरीन तोहफा है। आप लिफाफा दें, जो गिफ्ट देना है दे, यानी जैसी रिश्तेदारी जैसी कुर्बत वैसा तोहफा होता है। लेकिन ये वाला तोहफा हर दुल्हन को हर दूल्हे को देने की कोशिश करें इंशाल्लाह। अगर वो इसको पढ़कर अमल करेंगे ना, अल्लाह इस पर आपको भी सवाब अता फरमाएगा। तो आप इसको लें। अच्छा, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, अपनी शादियों को भी खुशगवार बनाने के लिए वो ये किताब पढ़ लें, ठीक है। इसी तरह से एक छोटी सी बुकलेट, इसमें एक तरफ दुरूद रज़विया है, दूसरी तरफ हुजूर के नाले ने पाक का नक्श है, अंदर मुख्तलिफ मौकों पर पढ़ी जाने वाली बहुत सी दुआएं हैं, बहुत से दुरूद शरीफ हैं। आप लें, इसको पढ़ें और इसको भी याद करें। खुशबू का इस्तेमाल करना मेरे आका की सुन्नत है। मकतब पर इत्र भी मौजूद है, ये नॉन एल्कोहलिक है, यानी इसमें कोई हराम अशिया इस्तेमाल नहीं किया गया। ये भी आप लें। और ये खास तोहफा जो आपको लेना ही लेना है मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, तोहफे नूरी, हुजूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वा की लिखी हुई ये तावीज़। इस नक्श के बड़े फायदे हैं। रोजी में बरकत के लिए नक्श फायदेमंद, कोर्ट कचहरी मुकदमे इंटरव्यू में कामयाबी के लिए नक्श फायदेमंद, शादी ब्याह के मसाइल हो तो उसमें आसानी के लिए नक्श फायदेमंद, कर्ज की वजह से परेशान हो तो उसमें मदद के लिए नक्श फायदेमंद, कोई काम नहीं बनता तो उसमें आसानी के लिए नक्श फायदेमंद। इसी तरह वो छोटे बच्चे जो रात को डर कर उठ जाते हैं, रोने लगते हैं, फिर सोते नहीं है, या बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, ऐसे बच्चों के लिए नक्श बहुत फायदेमंद है। चूंकि मेरा आजमाया नुस्खा है और मैंने जिनको भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह सबको बड़ा फायदा हुआ। अपने पीर की लिखी हुई, अपने अमीर की लिखी हुई तावीज नहीं बेच रहे हैं, अपने अमीर के पीर की लिखी हुई तावीज दे रहे हैं। बहुत से लोग अपने पीर की लिखी तावीज बेचते हैं, हमारा वो धंधा नहीं है, हम आपके फायदे के लिए लेकर आए हैं। चूंकि आज लोग, अब ये क्यों लेकर आए जानते हो, आज लोग इसी तावीज के चक्कर में दाढ़ी मुंडों के पास पहुंच जाते हैं, इसी तावीज के चक्कर में चर्सियों के पास पहुंच जाते हैं। तो ऐसे लोगों से जाके तावीज लिखवाएगा तो कोई फायदा होगा? तेरी जेब ही कटेगी, तेरा इस्तेमाल ही होगा, फायदा तो कोई नहीं होना। अरे उनकी लिखी तावीज ले जाओ कि जिनको अल्लाह ने मकामे विलायत अता फरमाया था, उनकी लिखी तावीज ले जाओ कि जिनकी विलायत में कोई शक नहीं करता, आप ये ले जाएं, ठीक है। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ने की मर्तबा। ऐ हबीब अहमद मुजतबा, दिले मुबतला का सलाम लो, जो वफा की राह में खो गया, जो वफा की राह में खो गया, उसी गुमशुदा का सलाम लो। ऐ हबीब अहमद मुजतबा, हमेशा झुकी रहे।
को हरा किया वो हुसैन जिसने छिड़क के खून चमन वफा को हरा किया चमन वफा को हरा किया उसी जानिसार السلام علیکم رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے آمین یا الہ العالمین ہماری اس محفل پاک کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما میرے کریم تیرے جن بندوں نے آج کی شب اس محفل کو سجایا ہے تو ان کی محنت کو قبول فرما مولا ان کی اس خدمت کو قبول فرما میرے کریم اپنے حبیب کے صدق و فعل حاضرین محفل میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے مصیبت زداؤں کی مصیبت کو دور فرما دے اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما ہمارے گھروں میں خاندان میں رشتہ داروں میں جان پہچان والوں میں یا ہم میں سے جن کے والدین بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ واجلہ عطا کر دے اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما دے سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں کے صدقے میرے کریم مرحوم قاری ریاض الدین اشرفی صاحب کی مغفرت فرما دے مرحوم عادل قادری کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے خاندان کے تمام مرحومین کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا دے سب کے کروٹ کروٹ درجات کو بلند فرما اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا کر ہماری تنگی کو دور فرما دے ہماری غریبی کو دور فرما دے ہمیں دنیا والوں کی محتاجی سے بچا لے قدم قدم پر غیب سے ہم غریبوں کی مدد فرما اے اللہ ہماری آنکھوں میں شرم پیدا فرما ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما ہمارے اخلاق کو پاکیزہ فرما دے ہمارے کردار کو صاف ستھرا فرما دے میرے کریم قوم مسلم کے جوان بچے بچیوں کو بے حیائی سے بچا برے دوستوں کی صحبت سے بچا برے ماحول سے بچا ہر برائی والی محفل سے بچا ہر حرام کاموں سے بچا مولا ہر طرح کی حرام و ناجائز چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما ہمیں انٹرنیٹ کی برائیوں سے بچا ہمیں واٹس اپ اور یوٹیوب کی برائیوں سے بچا میرے کریم ہم سب پر فضل فرما کرم فرما ہمیں سلطان الہند عطائے رسول کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمیں غریب نواز کے سیرت کے سانچے میں ڈال دے غریب نواز جیسا تقوی عطا کر غریب نواز جیسا علم عطا کر غریب نواز جیسا اخلاص عطا کر غریب نواز جیسا عمل عطا کر اے اللہ تو ہم سب پر رحم فرما
करम फरमा, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल के सदके हिंदुस्तानी मुसलमानों को फिर से खोया हुआ वक़ार अता कर, फिर से खोई हुई इज्जतें अता कर। अल्लाह हम सबको नमाज पंजगाना का पाबंद बना, हमें अपनी एक एक नमाज को उसके वक्त पर अदा करने की तौफीक अता कर। अल्लाह हमारा कोई भाई, हमारा कोई नौजवान साथी जो नशावर चीज़ों का आदि बन चुका है, माह रजब के सदक़े उसे सच्ची तौबा की तौफीक अता कर दे। अल्लाह हमें खैर वाफियत के साथ माह शाबान वो माह रमज़ान अता कर, हमें माह रमज़ान में उमरा की सआदत अता कर। यहाँ आस पास जितने मुसलमानों के घर हैं, हर घर को शैतान के शर से बचा ले, हर घर में अपनी रहमत का नुजूल कर, हर घर में अपनी बरकत का नुजूल कर। अल्लाह इस महफिल पाक को सजाने में तेरे जिस बंदे ने अपनी हलाल रोजी का एक रुपया भी खर्च किया, किसी भी सूरत में उसकी कयामत तक आने वाली नस्लों को अहले बैत का सदका अता फरमा। जिन्होंने रोशनी का इंतजाम किया, मेरे करीम तू उनकी कब्रों में रोशनी का इंतजाम फरमा। जिन्होंने तेरे बंदों के बैठने के लिए कुर्सियां बिछाई, अल्लाह तू उनकी कब्रों में जन्नत का बिछौना अता फरमा। जिन्होंने तेरे जिक्र के लिए ये मिंबर लगाया, अल्लाह तू उन्हें कयामत में नूर के मिंबर अता फरमा। सर्दियों की रात में सर्दी की परवाह किए बगैर खुले आसमान के नीचे अल्लाह तेरे ये बंदे जो गरीब नवाज के नाम पर जमा हुए, इन सब को कयामत में अपने हबीब की नूरी चादर का साया अता फरमा। अल्लाह आज सर्दी की रात में जो यहाँ आए, इन सब को कब्र की गर्मी से बचा ले, मैशर की गर्मी से बचा ले। मौला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अमन और शांति का गहवारा बना, हमारे मुल्क को आतंकवादियों के आतंक से बचा, दंगे और फसाद से बचा, महंगाई की मार से बचा, हमारी कयामत तक आने वाली नस्लों को आशिक़ रसूल बना, हमें ईमान की सलामती के साथ मदीने में मौत नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।